नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग वेलकम प्लेटफॉर्म ऑफ ऑन अकेडमी एंड वेलकम टू सेशन ऑफ द रैपिड कोर्स ऑफ मैकेनिकल ऑपरेशन अभी तक जैसा कि हम लोग रैपिड कोर्स काम का टेक्नोलॉजी को कंटिन्यू कर रहे थे तो उसी सीरीज में आज हम लोग अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट लेकर के आए हैं दैट इज द मैकेनिकल ऑपरेशन एक छोटा सा सब्जेक्ट जो कि केमिकल टेक्नोलॉजी से कम वेटेज रखता है लेकिन अल्टीमेटली इंटरव्यूज के अंदर यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे गिर जाते हैं और यहाँ से अगर आपके गेट एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं तो वो भी थोड़ा बहुत आपको परेशान करके जाते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके आज इस नए सब्जेक्ट के साथ में नए जोश और नए जुनून के साथ में और उम्मीद करता हूं कि आपका ये लास्ट वीक जो है ना बहुत अच्छा बीता होगा आपका दिवाली के फेस्टिवल भी आपने दिल लगा करके सेलिब्रेट किया होगा लेकिन अब टाइम है आपको वापस से अपने काम में जुट जाने का और दुगनी एनर्जी के साथ में अपने आप को ठीक है ना इस आने वाले गेट ट्वेंटी फोर के लिए किसी भी कीमत पर झोंक देना है ठीक है सो वेलकम ऑल एंड गुड मॉर्निंग अगेन गुड मॉर्निंग बेटा गुड मॉर्निंग मैं बढ़िया हूं आप सब लोग कैसे हो सो so, बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए डिस्कशन में आने वाली हैं ठीक है थेके? जैसा कि आपके पास में जो गेट ट्वेंटी फोर का अपडेशन विंडो जो है ना वो ओपन हो चुका है उम्मीद करता हूं सभी को जानकारी होगी और आप लोगों को बाई चांस अगर कोई अपडेट करना है तो आप लोगों ने उसके बारे में अपडेट करना स्टार्ट भी कर दिया होगा है ना सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका कुछ भी अगर अपडेट है गेट ट्वेंटी फोर एग्जाम फॉर्म में तो आप लोग प्लीज अपडेट करना स्टार्ट कर दीजिए ठीक है जैसे कि आपको कोई भी इशू ना हो और इसके साथ-साथ में आप लोगों का मैक्सिमम लोगों का जो है ना अब फॉर्म का एप्लीकेशन स्टेटस जो है ना वो अब एक्सेप्टेड हो चुका होगा ठीक है अगर बाय चांस किसी का अगर ऐसा कुछ है कि अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है तो प्लीज हैव पेशेंस ठीक है ना क्योंकि आपका अपडेटेशन जो है ना बहुत जल्द हो जाएगा नमस्ते बेटा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन नमस्ते नोट्स देखो नीलकंठ एक काम ये कर सकते हो कि आ, प्लस के पीडीएफ अगर बनाना चाहते हो तो वहां से ही बना सकते हो बिकॉज आप लोग प्लस के मेंबर हो और दूसरा अगर आप चाहते हो शॉर्ट फॉर्म में नोट्स आपके पास बने तो आप यहां से ही बना सकते हो ठीक है तो आपके पास में दोनों ऑप्शन रहेंगे जो लोग भी प्लस के यूजर्स हैं उनके पास तो ऑप्शन रहता है कि प्लस के पी से बना सकते हैं लेकिन अल्टीमेटली जो यूट्यूब के यूजर्स हैं उनको प्रॉब्लम आती है तो आप लोग नोट्स यहीं से बना सकते हो ठीक है ना जो इंपॉर्टेंट चीज होंगी उनके बारे में आपको बताता रहूंगा आप स्क्रीन लेते रहो आराम से अपने नोट्स अपडेट करते रहो हाँ, ये ध्यान रखना कि छोटा सब्जेक्ट आपको जरूर लगता है कई बार लोग बोलते हैं, हैं यार इसको छोड़ देते हैं लेकिन हमेशा मैं आपसे बोलता हूं कि जो बड़े सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं लैक्सीआर हो गया मास ट्रांसफर हो गया आईपीसी हो गया हीट ट्रांसफर हो गया मैकेनिक्स हो गया ये जो बड़े सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं बाई चांस कभी अगर क्या है इन सब्जेक्ट्स में आपका उस दिन अगर लक काम ना किया उस दिन हो सकता है क्वेश्चन आपसे अगर ना निकले तो ये छोटे सब्जेक्ट्स आपको बहुत बड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं क्योंकि अल्टीमेटली आपको स्कोर करना है मार्क्स लाना है तो मार्क्स लाने के लिए हमारे पास जरूरी नहीं कि सारे के सारे मार्क्स लेना बड़े सब्जेक्ट से ही लाए जाए वहां पर छोटे सब्जेक्ट भी आपको बहुत बड़ा सपोर्टिंग रोल प्ले करते हैं और आपको पता है किसी मूवी को हिट कराने के लिए मेन कैरेक्टर के साथ साथ सपोर्टिंग रोल का भी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है है ना चलो काफी लोगों को टॉपिक टफ लगते हैं वन एम बेटा अपना नाम बता दो न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं अच्छे से कोई दिक्कत नहीं है ठीक है मैं बताऊंगा आपको यह ध्यान रखना कि मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस आपको करनी है जो टेक्निक जो तरीके मैं आपको बताऊंगा उस तरीकों को आपको ध्यान रखना है उन टेक्निक्स को आपको ध्यान रखना है ठीक है और उनको फॉलो अप करना है बिकॉज तो हर पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में हर पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में कुछ ना कुछ ट्रिक्स होती हैं उन ट्रिक्स को आपको समझना है एक बार कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर होगा तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ अगर आप मूव करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको ठीक है भाई so, पहला काम आपको ये करना है संजीव और बाकी लोगों को भी यही काम करना है कि जल्दी से सेशन का लिंक जितना हो सकता है आप शेयर कर दो जिससे अगर बाई चांस कोई ऐसा है जिसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है बिकॉज ये लिंक तो पिछले वन वीक से दिख रहा है लेकिन शेयर मैंने कल ही किया था बिकॉज जो लोग भी एक्टिव हैं उन सबके पास दिखता रहता है और वो लोग जो है ना लाइक एंड शेयर कर देते हैं तो आप लोग अपने एंड से एक बार सेशन लिंक को शेयर कर सकते हो ताकि जो लोग भी एटलीस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं उनके पास में लिंक हो कम से कम टाइम पर ठीक है मैक्सिमम चीजें इंपॉर्टेंट चीजें सब्जेक्ट की आपको पता चल सके इसलिए मैंने कोर्स स्टार्ट किया है ठीक है ना बाकी जिनको करना था वो प्लस से भी कर चुके हैं जिनको करना था वो यूट्यूब से भी कर चुके हैं बिकॉज ये सब्जेक्ट मेरा ऑलरेडी दोनों जगह अवेलेबल है ठीक है तो आप कहीं से भी अगर डिटेल फॉर्म करना चाहते थे तो आप कर चुके होंगे तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर रिविजन के लिए आए हैं कि एक्चुअली थोड़ा सा रिविजन भी हो जाएगा ठीक है ठीक है धबल वेरी गुड तो चलिए स्टार्ट करते हैं है ना और आने वाले टाइम पर काफी कुछ सरप्राइजेस आपको मिलने वाले हैं ठीक है आने वाले इसी मंथ के एंड तक आपको काफी कुछ सरप्राइजेस मिलेंगे आने वाले वीक तक काफी कुछ सरप्राइजेस आपको मिलेंगे तो उसका पेशेंस के साथ में वेट करते रहिए मैक्सिमम टाइम अपनी सेल्फ स्टडी को दीजिए ठीक है ना कॉलेज और किसी भी चीज से डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है जितना लोड आपके पास में उतना ही लोड इस बार का ए आई जो है ना आने वाला उसके पास भी है यू नेवर नो कौन आने वाला है किसकी रैंक ए आई बनाने वाली है लेकिन एक्सक्यूजेज अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूं मेरे साथ ये है मेरे साथ वो है तो सोच करके देखिए कि जिसकी आई आर वन क्या उसके साथ प्रॉब्लम नहीं है चाहे वो जॉब करता हुआ बंदा हो चाहे वो कॉलेज जाता हुआ बंदा हो अल्टीमेटली आपके बीच से ही कोई ना कोई एक आई आर वन ले करके आएगा ठीक है तो आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हो एटलीस्ट ईमानदारी के साथ में ट्राई तो करो या एक्सक्यूजेस को पीछे छोड़ करके आगे निकलने का मौका अगर आपको मिल रहा है तो मौका देखो बिकॉज जितना आसान आपके लिए कैमिकल इंजीनियर में गेट क्वालिफाई करना है उतना किसी भी ब्रांच में आपके लिए आसान नहीं है जितना आसान तरीके से आप गेट क्वालिफाई कर सकते हो उतना आसान तरीके से कोई भी एग्जाम आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हो ठीक है तो सबसे बेस्ट आपके पास में जो ब्रांच है और सबसे बेस्ट आपके पास जो ऑप्शन है वो है गेट का एग्जाम जिसके लिए आप सब प्रिपरेशन कर रहे हो तो अभी इस मोड पर आकर के अगर आपकी हिम्मत अगर थोड़ी भी डगमगा रही है ना तो इतना ध्यान रखो कि इसके बाद लाइफ में आपको दोबारा सेम टाइम पर सेम मौका कभी नहीं मिलेगा हो सकता है आप नेक्स्ट ईयर प्रेपेशन करके उन में सेलेक्ट हो जाओ लेकिन अल्टीमेटली आप वन ईयर जो है ना अपने कलीग से हमेशा पीछे रहोगे उनकी इनकम से हमेशा वन ईयर पीछे रहोगे ठीक है ना तो सेम चीज कभी भी आपको रिपीट होकर के नहीं मिलेगी इस चीज़ का खास ध्यान रखना तो आपके पास अगर ये मौका मिल रहा है तो उस मौके को कन्वर्ट करने का ट्राई करो मौके बहुत से लोगों को मिलते हैं लेकिन वो कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं इस बार आईओसीएल में बहुत लोगों को मौका मिला इंटरव्यू देने का लेकिन वो कन्वर्ट नहीं कर पाए रीजन क्या था उनको पता ही नहीं था कि मेरे पास कॉल आएगी अगर कॉल आई भी तो उनको अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था कि यार इस रैंक पर मेरा सिलेक्शन भी होगा तो ये गलतियां अगर आप करते हो तो यहीं पर आप मात खाते हो एक बार पर हंड्रेड परसेंट एफर्ट देकर तो देखो ठीक है चलिए जी कोई दिक्कत नहीं है जिसने फर्स्ट टाइम जो कर रहा है उसके लिए भी ये सब्जेक्ट है जो रिवीजन कर रहा है उसके लिए भी सब्जेक्ट है अल्टीमेटली मेरा मोटो सिर्फ ये है कि मैकेनिकल ऑपरेशन का अगर कोई क्वेश्चन गेट ट्वेंटी के एग्जाम में आता है तो वो क्वेश्चन आपसे निकलना चाहिए ठीक है आपने फुल लेंथ कोर्स किया हो या फिर आप ये कोर्स कर रहे हो कोई मैटर नहीं करता आपका क्वेश्चन का आंसर निकालना मैटर करता है ठीक है ना चलिए स्टार्ट करते हैं तो इस सीरीज के अंदर कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है पहली चीज ध्यान आपको यह रखना है कि जैसे मैंने आपको सिटी के अंदर में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे उम्मीद करता हूं सबको मिले भी थे काफी लोगों ने हमारे साथ क्वेश्चन सॉल्व भी किए लास्ट से कुछ क्वेश्चन मैंने खुद सोल्व नहीं करा था लेकिन अल्टीमेटली वो आप खुद से सॉल्व कर सकते हो मैंने सिटी का पूरा कोर्स कंप्लीट कर दिया था तो वहां पर मैंने जो आपको शीट दी थी पीडीएफ फॉर्म में तो उसके लास्ट के क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं कराए थे वो आप लोग सॉल्व कर सकते हो सेम फॉर्मेट में आप लोगों को मैकेनिकल ऑपरेशन के अंदर भी शीट में दे दूंगा जहाँ से आप क्या कर सकते हो प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो उनके क्वेश्चन भी हम यहाँ पर करेंगे लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है वो एक थियोटिकल सब्जेक्ट था कि कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है तो यहाँ पर अपने पास में टाइम कम रहने वाला है ठीक है ना और कम टाइम पर ज्यादा चीजें अगर करनी है तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस कुछ मैं कराऊंगा लेकिन बाकी क्वेश्चंस आपको करने हैं बाकी अगर आपको कोई भी डाउट होता है कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो स्पेशल क्लास में मैं सीरीज लेकर के चलूंगा ठीक है ना समस्या समाधान सीरीज ऑलरेडी चल रही है तो उस सीरीज के थ्रू जो है ना जो भी आपके डाउट्स या क्वेश्चन के आंसर आप नहीं निकाल पा रहे हो तो उनको आप पूछ सकते हो ठीक है ना बिकॉज सारे क्वेश्चन अगर मैं आपको हंड्रेड क्वेश्चन अगर दे रहा हूँ सारे क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा तो आपको पता है फिर ये जो कोर्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज ऑफ नवंबर को तो सिक्सटीन ऑफ दिसंबर तक भी खत्म नहीं हो पाएगा और हमारा मोटो रहेगा इस कोर्स को जल्दी जल्दी खत्म करना ठीक है गुड मॉर्निंग बेटा गुड मॉर्निंग एवरीवन। वन चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी बातचीत को। फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो भी मेरे साथ में आज फर्स्ट टाइम कनेक्ट कर रहा है तो उसको मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं खुद से कि इज सुमित प्रजापति फैकल्टी ऑफ कैमिकल इंजीनियर प्लेटफॉर्म, और लिए कवर अप कर रहा हूँ प्रोसेस एंड कंट्रोलका टेक्नोलॉजी एंड मैकेनिकल ऑपरेशन ये फाइव सब्जेक्ट्स में से चार सब्जेक्ट कंटेंट ऑलरेडी हर जगह अवेलेबल है आपके पास मैं डेली बोलता हूं आपसे कहीं से भी आप कुछ भी कंटिन्यू कर सकते हो ठीक है कोई भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं हर चीज का सोल्यूशन आपके पास अवेलेबल है चाहे प्रैक्टिस के लिए बात करें चाहे आप शॉर्ट नोट्स के लिए बात करें चाहे आप फार्मूला के लिए बात करें हर चीज आपके पास अवेलेबल है आप एक बार सर्च करके देखो मेरी फार्मूला सीरीज भी तीन सब्जेक्ट की अवेलेबल है आपके यूट्यूब पर मेरा शॉर्ट नोट्स स्टिक भी आपके पास अवेलेबल है आपके स्पेशल क्लास में हर चीज आपके पास अवेलेबल है ठीक है चलिए जी तो ये फाइव सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसका कंटेंट अभी सिर्फ प्लस पर है वो है प्रोसेस पोस्टरस कंट्रोल जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया इसका बहुत सारा कंटेंट आपको जल्द यूट्यूब पर भी मिलेगा लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लो ठीक है बिकॉज ऑलरेडी बहुत से लोग जो है ना प्रोसेस पर्सेंडरस कंट्रोल कंप्लीट कर चुके हैं प्रैक्टिस कर चुके हैं अभी वैक्यू लगा चुके हैं लेकिन मेरा जो मोटो है वो आपका ये है कि आपके गेट एग्जाम से क्वेश्चन निकालना तो आपके लिए मैं क्या लेकर के आने वाला हूँ ये थोड़ा सरप्राइज अभी रहने वाला है लेकिन बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा और अल्टीमेटली इस सब्जेक्ट में भी आपको बहुत सारा कंटेंट आपके यूट्यूब पर मिलेगा और स्पेशल क्लास के अंदर भी मिलेगा ठीक है बाकी मेरा कोड आप इस प्लेटफॉर्म पर कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो एस पी हंड्रेड मेरा कोड है कोई भी प्लस आईकोनिक सब्सक्रिप्शन आप परचेज करना चाहते हो या फिर कोई भी क्विज कॉम्पेटर सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हो और दूसरा इंपॉर्टेंट सबसे बात यह है कि अकेडमी लर्निंग ऐप अगर आपके पास नहीं है तो उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिए इंस्टॉल करके लॉग इन करके और वहाँ से मेरे को फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हो फॉलो करने से बेनिफिट आपको ये मिल जाता है कि जैसे मैं भी आपको प्रैक्टिस की जो पीडीएफ दूंगा वो कम्युनिटी सेक्शन में शेयर करूंगा तो वहां से आपके पास डायरेक्टली वो पीडीएफ पहुंच जाएगी आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है कहीं से भी आपको कुछ भी जो है ना आ, सर्च करने की जरूरत नहीं है आपके पास में डायरेक्टली पी डी पहुंच जाएगी तो ये बेनिफिट मिल जाता है एजुकेटर को फॉलो करने से ठीक है ना तो आप मेरे को फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हो चलिए जी तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो <laughs> अमन एमओ का रैपिड कोर्स कितने दिन में खत्म होगा कोई प्लान तो नहीं बनाया कितने दिन में खत्म करूंगा लेकिन मैंने जैसा कि आप लोगों से बोला था मैंने सीटी के लिए प्रॉमिस किया था कि मैं 20 घंटे में खत्म करूंगा लेकिन एक्चुअली वो 20 घंटे ना जाकर के लगभग 26-27 घंटे कोर्स चला गया था ठीक है ना और लगभग बाईस लेक्चर के अंदर खत्म हुआ है छब्बीस सत्ताईस घंटे का कोर्स जा चुका था वो इसका मेरा प्लान जो है ठीक है ना मैकेनिकल ऑपरेशन का भी लगभग बीस घंटे का ही प्लान है लेकिन वी नेवर नो एक्चुअली क्या आपको बोनस के फॉर्म में मिल जाए कहां पर जो है ना चीजें हम लोग को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ जाए किस टॉपिक पर ज्यादा प्रैक्टिस की नीड पड़ जाए तो हो सकता है लेक्चर हमारे पास कुछ बढ़ भी सकते हैं मेरा जो है प्लान वो 20 घंटे में इस सब्जेक्ट को खत्म करने का 20 आवर्स ठीक है ना 20 आवर्स में प्लान है मे भी हो सकता है कुछ आपका ऊपर भी जा सकता है ट्वेंटी आवर्स में मैकेनिकल ऑपरेशन खत्म करने का ठीक है ना सो इतना हमारे लिए क्या है फिशियंट भी है मोर देन भी है और यहां से आप आराम से प्रैक्टिस भी कर सकते हो और अच्छे से कॉन्सेप्ट को भी समझ सकते हो ठीक है अमर फिलहाल तो प्लान अपना यही है चलो क्या हो गया क्या डिस्कशन कर रहे हो तुम लोग पीडीसी का भी करा दूं चलो करा दूंगा चलिए आ जाइए स्टार्ट करते हैं अपनी बातचीत को देखो एक सिंपल सी चीज ये है कि मैकेनिकल ऑपरेशन का जो कोर्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेन चीज आपको बस ये समझना है कि जितने भी सब्जेक्ट्स आपने अभी तक पढ़ रखे हैं ठीक है ना चाहे आपने सीआर पढ़ा हो चाहे मास ट्रांसफर पढ़ा हो चाहे आपने हीट ट्रांसफर पढ़ा हो चाहे आपने अपने मैकेनिक्स पढ़ा हो या फिर आपने प्रोसेस जन्मेसर कंट्रोल ही क्यों ना पढ़ा हो अल्टीमेटली ये चीज आपको समझनी है कि हमारे पास में पूरी केमिकल इंजीनियर के जो डिवेडेशन किया गया है हम पहले दिन से सुनते आ रहे हैं कि सर दो ही चीजें हैं अल्टीमेटली नहीं किया जाता तो पूरी कैमिकल इंजीनियरिंग घूमती है एक यूनिट ऑपरेशन और यूनिट प्रोसेस तो यूनिट प्रोसेस वाला पार्ट तो सर सियार ही हमारे कवर कर ले जाता है और उसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन हमको दिखता है हमारी पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्री के अंदर में या फिर बाकी हमारे पास पॉइमर्शन इंडस्ट्री कोई भी आप इंडस्ट्री की बात करें अच्छा खासा एप्लीकेशन हमको दिख जाता है लेकिन मेन चीज ये आती है कि सर ये जो छोटा सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले मैकेनिकल ऑप्शन को हम लोग बहुत छोटा समझते हैं लेकिन एक चीज आपको यही समझनी है यहाँ पर आकर के हमारे पास में छोटा सब्जेक्ट के अंदर में क्या गज़ब के कॉन्सेंट्स हमको मिलते हैं क्यों क्योंकि रीजन ये है कि अगर सपोज मान लीजिए हमको कहीं पर भी किसी भी वाली, इंडस्ट्री के अंदर में अगर हमें सॉलिड हैंडलिंग करनी है क्यों कटलिस हैंडलिंग तो आप करेंगे ही कटलिस सॉलिड ही होता है कुछ केसेस में हमारे पास लिक्विड भी होता है तो अल्टीमेटली अगर आप सॉलिड हैंडलिंग करने जा रहे हैं तो आपको इस सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए तो चाहे आप कटलिस के फॉर्म में कर रहे हो चाहे आप एब्जॉप टावर के फॉर्म में कर रहे हो चाहे आप किसी रिएक्टर में कर रहे हो या फिर अल्टीमेटली कहीं भी आप क्या करना चाहते हैं कोई भी किसी भी पर्टिकुलर इंप्योरिटी को सेपरेट करना चाहते हैं मीन में भी आपको इस सब्जेक्ट की नीड पड़ेगी तो किसी भी सब्जेक्ट की अगर हम बात कर रहे थे तो लाइक सबसे बड़ा हमारे पास अपलिकेशन आता है इस सब्जेक्ट का वो है काम कलेक्शन का इंजीनियरिंग और मास ट्रांसफर ऑपरेशन के अंदर में बिकॉज ये दो सब्जेक्ट हमारे ऐसे हैं जो सॉलिड्स को डील करते हैं यहाँ पर अल्टीमेटली हमारे पास में क्या सॉलिड हैंडलिंग की बात आती है ठीक है तो इस सब्जेक्ट को बहुत केयरफुली पढ़ना है रीजन क्या है कि जो भी आपने कोर सब्जेक्ट अभी तक पढ़ रखे हैं तो वो इसकी एक बेसिक नॉलेज के बिना कंप्लीट नहीं होंगे ठीक है तो ये मैकेनिकल ऑपरेशन जो हम पढ़ रहे हैं इस मैकेनिकल ऑपरेशन का मेन मोटो आपके पास में ये है कि जहां पर भी आप सॉलिड हैंडलिंग की बात करने वाले हैं वहां पर इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है तो बेसिकली जब हम मैकेनिकल ऑपरेशन की बात करते हैं तो गेट के अंदर इसका एक वेटेज अभी अगर पिछले तो अगर दो साल से देखे तो हमारे पास बाइस के अंदर सिर्फ दो मार्क्स का आया था तेईस में तीन मार्क्स का आया था तो अल्टीमेटली हमारे पास में अभी फिलहाल दो सालों से हमारे पास इसका वेटेज थोड़ा कम है लेकिन वही सिंपल सी चीज़ है ना कि हम कभी गेस नहीं कर सकते और गेस करना भी नहीं चाहिए कि एक्चुअली ट्वेंटी फोर में क्या होने वाला है तो कितने मार्क्स का हमसे एमओ पूछा जाएगा ठीक है तो ऐसा गेस कोई करने की जरूरत नहीं है और आपको करना भी नहीं है अल्टीमेटली सब्जेक्ट पर कमांड बनाइए जितना आपके पास में मार्क्स का आ जाएगा बिकॉज ये छोटे सब्जेक्ट जितना ज्यादा वेटेज के लेकर के आएंगे ना उतना ही आपको बेनिफिट देखे जाएंगे जैसे सी पिछले कुछ सालों से तीन चार तीन चार मार्क्स का रहा था लास्ट ईयर दो हज़ार में आ गया छह मार्क्स का और मार्क्स बोनस हो गए क्यों कि लोगों ने आउट ऑफ जो है ना सॉल्व करके दिया तो कोई भी अगर छोटा सब्जेक्ट अगर ज्यादा स्कोर का अगर आ जाता है ना तो आपके लिए बोनस है क्योंकि अल्टीमेटली दो या तीन नंबर तो आप ला ही सकते हो उसके बाद अगर एक्स्ट्रा नंबर मार्क्स का अगर आएगा तो वो भी आपके पास में क्या है एक प्लस पॉइंट है आपके लिए तो छोटे सब्जेक्ट पर कमांड आपका अच्छा होता है और वही स्कोर आपको क्या करेगा एक अच्छा हेल्प देता है ठीक है चलिए जरा सर स्टार्ट करते हैं अपने कोर्स को देखो मैकेनिकल ऑपरेशन की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि पूरी दुनिया के अंदर में पार्टिकुलेट और पार्टिकल्स दो चीज़ों की बात की जाती है तो पहले हमको ये दो चीज़ों के ध्यान समझना ज़रूरी है कि एक्चुअली पार्टिकुलेट और पार्टिकल में डिफरेंस क्या है कहां पर हमें पार्टिकुलेट की ज़रूरत पड़ती है कहां पर पार्टिकल्स की ज़रूरत पड़ती है बिकॉज़ अगर इस दुनिया के अंदर अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास में जो कोई साइज़ रेंज की जब बात की जाती है तो हमारे पास डिफरेंट साइज रेंज की चीज़ें हम डील करते हैं चाहे वो कोई सैंड पार्टिकल हो चाहे वो हमारे पास कोई ग्रैनुलर हो चाहे हमारे पास में क्या एक्चुअली हमारे पास अगर देखा जाए तो साइज के साथ साथ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट शेप का भी आता है बिकॉज जैसे ही हम लोग एक पार्टिकल की बात करते हैं तो पार्टिकल में सबसे पहला जो इमेज आपके दिमाग में बनता है वो एक क्या बनता है एक स्फेयर का बनता है पार्टिकल मतलब स्फेरिकल होगा लेकिन ऐसा कहीं भी कम्पलसन नहीं कि पार्टिकल हमेशा जो है ना वो स्फेकल शेप में ही होगा तो जितना हमारे लिए साइज इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए शेप है क्यों क्योंकि अल्टीमेटली सब्जेक्ट हम डील करने जा रहे हैं इसका मेन साथ साथ है। इंपॉर्टेंस का का यही सब्जेक्ट देता है इस्तेमाल करने वाले हैं अपनी किसी भी इंडस्ट्री के अंदर में तो उसका शेप एक्चुअली क्या है ये भी हमें समझना बहुत जरूरी है राइट right? समझिए ध्यान से जरा तो जैसे मैं जनरली आपसे बात करता हूँ कुछ मैंने एग्जाम्पल जैसे आपको दिए कि सबसे अगर हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट 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 साइज का हमारा जो है दैट इज जिका वायरस जिसका साइज है 0.045 माइक्रोमीटर इमेजिन कर सकते हैं कि एक्चुअली ये साइज कैसे मेजर करते हैं हमें ये चीज समझनी है हमें कि एक्चुअली यहां पर जो साइज हम बात करते हैं ना किसी भी चीज के साइज की बात करते हैं तो साइज एक्चुअली आता कैसे है और यही एक्चुअली में क्या है मैकेनिकल ऑपरेशन है यही एक्चुअली में आपके ट्रू इंजीनियरिंग है अगर आप कभी भी बात करेंगे ना तो आप सबको पता होगा कि मैकेनिकल ऑपरेशन जो आप पढ़ रहे हैं इसका एक छोटा सा चैप्टर जहाँ से हम आज अपनी कहानी स्टार्ट कर रहे हैं ये छोटा सा चैप्टर अपने आप में एक इंजीनियरिंग है टेक्नोलॉजी है जिसको हम पार्टिकल टेक्नोलॉजी बोलते हैं आपने नाम सुना होगा सभी ने पार्टिकल टेक्नोलॉजी बोलते हैं ये अलग से हमारे पास पूरा सब्जेक्ट होता है तो जितने भी हमारे पास अल्टी मल्टी पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स का साइज और शेप मेजर करना सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट उसमें सबसे जो स्मॉलेस्ट हमारे पास मॉलिक्यूल या फिर हमारे पास अर्थ में जो स्पेशज है वो ज़िका वायरस की है इसके ऊपर आप जाते जाइए ठीक है ना तो हमारे पास में बहुत सारे जो रिसेंटली अभी हम लोगों ने कोविड पीरियड जो फेस किया कोविड पीरियड का हमारे पास जो साइज रेंज था वो एक्चुअली हमारे पास में कितना था एक बार अच्छा ये क्लियर कर दो आपकी स्क्रीन पर ये डाटा कुछ दिख रहा है कि नहीं बिकॉज काफ़ी छोटा हो गया है ठीक है ना लेकिन मेंशन करना ज़रूरी था आपके इंटरेस्ट के लिए विजिबिलिटी है क्या ठीक है थोड़ा बहुत दिख रहा होगा कोई दिक्कत नहीं है मैं यहां पर आप बोलूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा तो कोविड का जो हमारे पास में साइज था कोरोना वायरस का को जो साइज था एक्चुअली वो जीरो पॉइंट वन से जीरो पॉइंट फाइव माइक्रोमीटर का था तो एक्चुअली क्या सर यहां पर वास्तव में एक पार्टिकल को पकड़ करके साइज मेजर किया था क्या हमने क्वेश्चन ये आता है साइज तो पता चल रहा है चलिए ठीक है सर लेकिन क्या एक पार्टिकल एक कोविड एक कोरोना वायरस को पकड़ के साइज पार्टिकल हमने मेजर किया था क्या इसका आंसर आपको थोड़ी देर में मिलेगा यही सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी वाली चीज है कि जो ये ये जो लो साइज़ लोग डिफाइन कर देते हैं एक्चुअली रीजन क्या है इसके ऊपर अगर आप आते जाएंगे ठीक है ना तो कोई भी बैक्टीरिया है डस्ट पार्टिकल की जो आप बात करते हैं ना एक्चुअली डस्ट पार्टिकल का जो साइज है आपने कभी भी देखा होगा आप जब भी कोई भी प्रोजेक्शन करते हैं तो प्रोजेक्शन के टाइम पर आपको डस्ट पार्टिकल्स दिखते हैं ध्यान दिया होगा जब प्रोजेक्टर कहीं पर चलता है तो वहां पर डस्ट पार्टिकल्स दिखते हैं गौर से कभी अगर देखा होगा तो डस्ट पार्टिकल का साइज भी आपको हल्का फुल्का दिखेगा और शेप भी आपको हल्का फुल्का दिखता है वो सारे पार्टिकल्स हमारे फ्री फॉर्म में आपके क्या होते हैं फ्लो हो रहे होते हैं और उनका जो एक्चुअली हमारे पास जो शेप है वो कुछ कुछ इस तरह से सिलेंडिकल फॉर्मेट का होता है कैसा होता है कुछ कुछ हमारे पास में क्या है आपके पास में सिलेंडिकल फॉर्मेट में और कुछ केसेस हमारे पास में क्या है फॉर्मेट में मिलता है तो मेन चीज हमारे पास में क्या है हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपसे पार्टिकल की बात की जाए तो आपके दिमाग में अब एज अ अमिकल इंजीनियर शेप जो है ना वो क्लियर नहीं होनी चाहिए बिकॉज यू नेवर नो हमारे पास किसी भी पार्टिकल की शेप क्या हो सकती है मैक्सिमम केसेस में हम ये जूम करके चलते हैं ये मान के चलते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए ठीक है ना रीजन क्या है कि जब भी आप डस्ट पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो एक्चुअली जो पार्टिकल बना है उस पार्टिकल के बनने के बहुत सारे रीजन होते हैं रीजन क्या है कि अगर कोई भी पार्टिकल अगर आपके सामने दिख रहा है जैसे प्रोजेक्शन आप जब करते हो पार्टिकल्स आपको फ्री फॉर्म में फ्लो करते हुए दिखते हैं वो बनने का रीजन क्या है वो पार्टिकल्स आए कहाँ से हैं वो पार्टिकल्स एक्चुअली हमारे पास में क्या है बहुत ही लार्ज साइज के किसी सॉलिड पार्टिकल्स के मनी एंड मनी कोलिजन के बाद में क्या है वो प्रोड्यूस हुए हैं यही तरीका है हमारे पास में कोई भी अगर बहुत बड़ा अगर हमारे पास सॉलिड पार्टिकल है तो उसके पता नहीं कितनी बार कोलिजन कितनी बार कोलिजन होने के बाद में वो माइनर माइक्रोमीटर साइज के जो पार्टिकल्स हैं वो प्रोड्यूस हुए हैं ऐसे तो वो वर्ल्ड में या फिर अर्थ में एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो अल्टीमेटली आ हमारे पास में से कहा किसी भी पार्टिकल एक बल्क मास से है ना सिमिलरली अगर हम बात करते हैं हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका साइज देखिए टू माइक्रोमीटर है इसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स का कुछ हमारे पास में बिकॉज हम जब बात करने जाते हैं तो हम सबको पता है हमारा जो पॉल्यूशन रेंज जो एक मेजर किया जाता है वो एक पीएम नंबर से आता है पर्टिकुलेट मैटर जिसको बोलते हैं पीएम हमारे पास में जो रेंज है तो पीएम रेंज हमारे पास जो डिफाइन की जाती है वो एक्चुअली डिफाइन की जाती है साइज रेंज के हिसाब से जैसे हमारे पास में पीएम 2.5 की बात करते हैं तो पीएम 2.5 का सिंपल सा मीनिंग ये है कि वहां पर जो पार्टिकल साइज है टू पॉइंट माइक्रोमीटर साइज के हैं ये पार्टिकल्स आपके लंग्स में इनहेल हो सकते हैं

होवर अराउंड टेन टू फोर्टी माइक्रोमीटर्स हमारी जो नेकेड आई है वो टेन टू फोर्टी माइक्रोमीटर्स तक देख सकती है तो यहाँ से हमारी विजिबिलिटी स्टार्ट होती है ये हम देख पाते हैं इसके नीचे के जो तो पार्टिकल्स हमारे पास में वो विजिबिलिटी नहीं है तो जब मैंने आपसे बात किया प्रोजेक्शन वाली तो प्रोजेक्शन एक स्पेशल केस में वो पार्टिकल्स हमको उड़ते हुए दिखते हैं या फिर कहीं से जस्ट लाइट अगर आ रही है तो बिकॉज ऑफ़ एक्चुअली अगर देखा जाए तो वो जो फिनमना हमारा है वो कुछ डिफरेंट ही है जिस वजह से वो पार्टिकल्स दिख रहे हैं बाकी अगर इस रूम में अगर मैं खड़ा हूँ जहाँ पर आप बैठे हैं वहाँ पर क्या पार्टिकल्स अभी नहीं है ऑब्वियसली हैं लेकिन अभी हमारे कड़ाई से विजिबिलिटी नहीं है हम उसको नहीं, नहीं देख सकते हैं तो सेम चीज हमारे पास में व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करते हैं देन आते हैं ग्रेन ऑफ साल्ट जो नॉर्मल एक साल्ट का पार्टिकल आपका है उसका जो हमारे पास साइज रेंज है वो 60 माइक्रोमीटर का है और सभी लोगों को लगता है कि साल्ट का जो पार्टिकल है बिल्कुल स्फेरिकल है जो सब्जी में नमक डाल रही है मम्मा या आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको यही देख के लगता है कि साल्ट पार्टिकल का जो शेप है बिल्कुल स्फेरिकल है नहीं एक्चुअली वो स्फेरिकल है ही नहीं पार्टिकल एक भी पार्टिकल उसमें से स्फेरिकल नहीं है आपको देख करके ऐसा लगता है वो सारे के सारे पार्टिकल्स हमारे इरेगुलर साइज के पार्टिकल एक रेगुलर शेप के पार्टिकल्स हैं ठीक है फिर आते हैं हमारे पास जो सैंड बीच की बात करते हैं है ना बीच पे जाओ सैंड जो होती है कई बार मूवीज में देखते हो हमारे पास जो में जो बॉडी में चिपक जाती है सैंड क्या गजब का फील देती है उस अगर पार्टिकल की भी बात किया जाए तो वो सैंड पार्टिकल भी स्फेरिकल नहीं है और उसका जो साइज रेंज है वो 90 माइक्रोमीटर का है समझ सकते हो ना तो एक्चुअली यहां पर हमें यही बस फील करना है सबसे पहले तो एक्चुअली ये एंड साइज का खेल क्या है और ये जो पार्टिकल साइज डिफाइन किया जा रहा है इसके बाद सबसे बड़ी चीज आती है वो आता है हमारे पास में ह्यूमन हेयर जो हमारा बाल है इस बाल का हमें सेप तो पता है कैसा है कि जनरली सिलेंडिकल है अगर इसके साइज की बात करें इसके डायमीटर की बात करें इसका डायमीटर 50 से 180 माइक्रोमीटर तक वेरी करता है फिफ्टी सेवन एट्टी माइक्रोमीटर हमारे हेयर का डायमीटर है एक्चुअली जो हमारे पास में क्या है वेरी करता है तो ये तो अभी हम बात कर रहे थे किसके बारे में ये तो हम बात कर रहे थे अभी सिर्फ साइजेस के बारे में शेप की हमने बात ही नहीं की है कि ये यूनिवर्स के अंदर एडजस्ट करने वाली वो पर्टिकुलर डिफरेंट स्पसीज हैं जिनका जनरली क्या है हम लोग साइज रेंज हमको जो लगता है उससे बहुत डिफरेंट है और शेप थोड़ा बहुत आपको यहाँ से क्लियर हो रहा है कि एक्चुअली जो शेप हमको दिखता है वो शेप एक्चुअली होता नहीं है सैंड आप इस्तेमाल कर रहे हैं जो आप साल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं उनका शेप सारे के सारे शेप्स इरेगुलर शेप के हैं क्यों क्योंकि जितने भी पार्टिकल्स आपके सामने दिख रहे हैं चाहे वो सैंड हो चाहे वो साल्ट हो मैंने फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि सारे के सारे पार्टिकल्स नंबर ऑफ कोलिजन के बाद बने हैं नंबर ऑफ कोलिजन के बाद बने हैं और साल्ट के लिए हमने ऐसी कोई भी टेक्निक इस्तेमाल नहीं की जिससे साल्ट का पार्टिकल स्फेरिकल बन जाए कोई टेक्निक इस्तेमाल नहीं की है ठीक है ना इसलिए हमारे पास में हम इतने दिमाग में हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमारे पास जब भी पार्टिकल वर्ड इस्तेमाल किया जाए तो आपके दिमाग में अब आज के बाद में शेप पहली जो है वो स्पेरिकल डिफाइंड नहीं होनी चाहिए वो कोई भी शेप हो सकती है ठीक है ना जनरली हमेशा हमें यही बोलना है कि हमारी जो शेप होती है वो इरेगुलर शेप होती है इरेगुलर समझते हैं ना कहीं से कुछ भी हमारे पास में लेंथ या डायमेंशन कभी भी रेंडमली चेंज हो सकती हैं वो इरेगुलर शेप है रेगुलर का मतलब क्या कि एक्चुअली हमारे पास में डिफाइंड हमारे पास में लेंथ या फिर वेथ या फिर हमारे पास में क्या थिकनेस या डायमीटर होगा ठीक है ना जैसे कि हम लोग अगर बात करते हैं हम सभी जानते हैं कि जितना भी पार्टिकल साइज वाला पार्ट हम देख रहे हैं ठीक है ना जिनका हमें वास्तव में इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो इनका सही इस्तेमाल है क्या अब जितने भी हमने कोर सब्जेक्ट अभी तक पढ़े बहुत ध्यान से देखना चाहिए जितने भी हमने अभी तक कोर सब्जेक्ट्स पढ़े हैं सबसे पहले हम बात करते हैं एफएम के अंदर में तो जब आप एफ के अंदर में बात करने जाते हो तो सबसे बड़ी चीज हमारे पास में है क्या फ्लू एंड सस्पेंशन ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाती है आपको पता है कि एफ का सबसे बड़ा इस्तेमाल जो है वो फ्लूड ट्रांसपोर्ट करने में तो है ही फ्लूड के अंदर लिक्विड और गैस आते हैं लेकिन उससे ज्यादा इस्तेमाल हम करते हैं स्लरीज के लिए सभी जानते हैं तो जो स्लरीज का ट्रांसपोर्टेशन आप करने जा रहे हो वहां पर फूड मैकेनिक्स के फंडामेंटल के हिसाब से अल्टीमेटली प्रेशर जनरेट करके आपको स्लरी को क्या करना है ट्रांसपोर्ट करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इस केस में हमारे पास आपकी सॉलिड हैंडलिंग फ्रूड मैकेनिक्स के अंदर भी इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गई बिकॉज तो जो आप पंप इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पर सिर्फ लिक्विड डील नहीं करना है आपको सॉलिड को भी डील करना है और जब लिक्विड और सॉलिड को आप एक साथ डील करोगे तो जब सपोज मान लीजिए आपने पंप के एम्पलर के अंदर में आपने जैसे ही स्लरी को फीड किया तो हमारे पास आपको पता है कि फ्लूड हमारे पास जब है तो फ्लूड के अंदर में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है वो फिनॉमुना थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा लेकिन जैसे ही वहां पर सॉलिड्स इन्वॉल्व हो जाएंगे वो फिनॉमना थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा कि अगर स्लरी के, के केस में अगर हम पंप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस केस में हमारे पास में क्या होगा लेकिन आपको पता होना चाहिए स्लरीज जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर सॉलिड्स का कंसेंट्रेशन बहुत कम है तो हम जब पंप की स्टडी करने जाते हैं स्लरी के केस में तो हम यही मान के चलते हैं कि एक्चुअली हमारे पास करके, वो स्लरी ना होकर के वो लिक्विड ही है हमारा लेकिन एक्चुअली हमारे पास में कहीं ना कहीं हमारी पंप की पावर कंजप्शन पर कुछ ना कुछ चेंजेस तो आएंगे बिकॉज ऑफ स्लरी का इस्तेमाल कर रहे हैं सॉलिड अगर हैंडलिंग कर रहे हैं तो वहां पर पावर कंजप्शन हमारा चेंज होगा किसी लिक्विड और स्लरी के हैंडलिंग में दोनों केसेस में पावर कंजप्शन चेंज होगा तो यहां पर भी हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा सॉलिड हैंडलिंग का देन अगर हम बात करते हैं फिल्ट्रेशन की फिल्ट्रेशन का जो फोनमुना आप देख रहे हैं एक्चुअली ये फिनमोना हमारा मैकेनिक्स का फोनना है क्यों क्योंकि आपको भी ऐसे देखने में लग रहा होगा नहीं सर हम तो मैकेनिकल ऑपरेशन में पढ़ना बिल्कुल नहीं बिकॉज फिल्ट्रेशन का जो फोर्मुना हम पढ़ने वाले हैं ये फोनोमुना हमारा एफ के अंदर आता है रीजन क्या है कि जहां भी लिक्विड फ्लो करेगा जहां भी लिक्विड का फ्लो होगा वहां पर फूड मैकेनिक्स इन्वॉल्व की जाएगी बिकॉज लिक्विड का फ्लो तभी पॉसिबल है जब हमारे पास में प्रेशर का ड्रॉप हो या प्रेशर में डिफरेंस हो और जहां पर प्रेशर डिफरेंस आएगा मीन्स यू पढ़ेंगे तो लास्ट टाइम जब भी मैंने फ्लोडाइशन आपको पढ़ाया तो पहले मैं एफ पढ़ाता हूँ रीजन क्या है फ्लोडाइशन का फोनॉमुना जो सीधी सी बात आपके पास में आती है तो वो हमारे पास में एक्चुअली है क्या द सॉलिड पार्टिकल्स विच आर सस्पेंडेड सॉलिड तो पार्टिकल जो कि सस्पेंडेड है किसी भी लिक्विड के अंदर में इनको स्टडी करने से पहले सबसे पहले यही समझना है कि हमारे पास में कोई भी अगर हमारे पास में अगर फ्लूड है तो अगर वो फ्लू सॉलिड के साथ में अगर डील करता है तो कौन कौन से फोर्स एग्जर्ट करता है तो यहां पर सबसे पहले कॉन्सेप्ट हमारे पास में आता है पैक्ड बेड का पैक्ड बेड के बाद हम फ्लू बेड की तरफ मूव करते हैं तो ये फंडामेंटल ये फिनमुना भी हमारे फ्लोमैन के अंदर का ही आता है ठीक है ना जिसमें जनरली हम ये बात करते हैं हमारे पास में कि फ्लो थ्रू

उस सिलरी से अगर आप सीरप बनाना चाहते हैं सॉलिड्स कंसंट्रेशन इन्हांस करना चाहते हैं और सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास ऑपरेशन के अंदर यही हम कर रहे हैं चाहे वो कोई भी साल्ट इंडस्ट्री हो चाहे कोई भी सुगर इंडस्ट्री हो चाहे वह कोई भी हमारे पास में पेपर एंड पॉप इंडस्ट्री हो ये सारी इंडस्ट्रीज में ऑपरेशन का इस्तेमाल ही हम इसीलिए कर रहे हैं चाहे वो हमारे पास यूरिया मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्री ही क्यों ना हो ताकि हमारे पास में जो यूजफुल मटेरियल जो हमारा सॉलिड कंटेंट है उसको कंसंट्रेशन इनहेंस कर सके तो अल्टीमेटली वहां पर भी हमें सॉलिड हैंडलिंग ही करनी पड़ रही है है ना हीट ट्रांसफर के इतना एप्लीकेशन हमारे पास में है देन कंडेंसेशन की अगर हम बात करने जाते हैं तो कंडेंसेशन के केस में या फिर हीट एक्सचेंज की अगर बात करें दोनों सिंपल फिनमुला है तो इन दोनों केसेस में हमारे पास में बी हमारे पास कई बार हमें क्या करना पड़ता है अगर वो ऑपरेशन की अगर हम बात कर रहे हैं इसके साथ साथ अगर हम कंडेंसेशन एक्सचेंज की बात करेंगे तो यहाँ पर भी फेस चेंज की जब बात आती है फेस तो के चेंज के केस में भी हमारे पास में बहुत बार सॉलिड्स जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं तो वो फेस चेंज में किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं बिकॉज प्योर लिक्विड प्योर गैस का हमारे पास चेंज का फेसॉमुला और मिक्सचर्स का फेस चेंज का फोर्नॉमुला में बहुत सारे चेंजेस आते हैं है ना तो वहां पर भी हमारा क्या एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है सॉलिड हैंडलिंग का राइट right? देन अगर हम बात करते हैं मास ट्रांसफर के अंदर आपको पता है जितने टावर्स के अंदर में यूज होने वाले हमारे पास जो पैकिंग मटेरियल्स हैं ट आर द मोस्ट एंड मोस्ट डिजारबल कॉन्सेट्स दट आर यूज फॉर द सोलिडलिंग जोजॉप्शन टावर कर रहे हैं बताऊंगा थोड़ा सा मास ट्रांसफर के अंदर हीट ट्रांसफर के अंदर, मतलब अंदर, अंदर यह फोन कैसे इस्तेमाल हो रहा है अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा कैसे इस्तेमाल करते हैं ऑपरेशन के अंदर मैं पार्टिकल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा लिया सॉलिड हैंडलिंग का मीनिंग क्या है वहां पर बताऊंगा आपको मैं थोड़े आगे या चलेंगे तो आपको बताऊंगा ठीक है देन हमारे पास डिस्कशन कॉलम हो या फिर ड्राइंग हो एक्सट्रक्शन हो एडप्शन हो सारे के सारे फॉर्मूलाज के अंदर आपको पता है यू हैव टू डील विद द सॉलिड्स राइट देन अगर मैं बात करता हूँ मैकेनिकल तो मैकेनिकल के अंदर हमारे पास जस्ट जो हम आज डिस्कशन कर रहे हैं बिकॉज हमको ऐसा लगता है कि हमारा जो मैकेनिकल ऑपरेशन है उसका सिंपल मीनिंग यही है सॉलिड्स को ट्रांसपोर्ट कर देना क्रशिंग ग्राइंडिंग स्क्रीनिंग यही हमारा फोनॉमुना है लेकिन एक्चुअली ये कर क्यों रहे हो अगर देखा जाए तो इस जितना भी मैकेनिकल ऑपरेशन का फोनॉमुला है कहीं ना कहीं आप इसलिए इस्तेमाल कर रहे हो बिकॉज जो बाकी ऑपरेशन आपके हैं चाहे वो मास ट्रांसफर के ऑपरेशन हो चाहे वो फोट मैकेनिक्स के हो चाहे वो वही ट्रांसफर ऑपरेशन हो वो आपके स्मूथली रन कर पाए वो इक्विपमेंट्स आपके स्मूथली रन कर पाए इसीलिए तो आप ये करना चाहते हो अगर सपोज मान लीजिए पेट्रोलियम रिफाइनिंग के अंदर में आप सीसी यूनिट के अंदर में फ्रोडाइस क्रैकिंग के अंदर में आपको जो कटलेस इस्तेमाल करना है उसका जो आ, साइज है एट्टी हमारे पास में साइज का होता है हम ना इस्तेमाल करें तो कोई प्रॉब्लम है क्या हम सीधे उठा करके बड़े बड़े पार्टिकल्स ले लें इनका मैं साइज की बात छोड़िए हमारे पास में ग्रेन्यूल के साइज के होने चाहिए जैसे हमारे पास में दाल होती है अगर उस साइज के पार्टिकल्स अगर हम ले लें कोई प्रॉब्लम तो है होनी नहीं चाहिए हम इस्तेमाल कर लें आप ही लोग सामने से आंसर करोगे नहीं सर अल्टीमेटली हमारे पास में क्या है अल्टीमेटली जो हमारा कन्वर्जन है वो इफेक्ट कर जाएगा क्यों क्योंकि आप यही चाहते हो हमारे पास चाहे ट्रांसफर का फर्ॉमुला चाहे सियारी का फिनोमेना अल्टीमेटली आप यही चाहते हो कि हमारे पास में कन्वर्जन या हमारे पास में क्या है जो हमारे पास जो अवेलेबल सरफेस एरिया है या मास ट्रांसफर रेट हमारा जो है ना वो करना चाहते हो तो हमारा जो मोटो है वो मोटो हमारा क्या सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा अगर हम पार्टिकल साइज में कुछ भी चेंजेस कर देते हैं तो अल्टीमेटली तो हमारा तो स्टार्ट यहीं से होता है तो अगर जो भी आप पार्टिकल साइज से आते हो तो उसके स्टार्टिंग तो आप यहीं से करोगे मीन क्रशिंग ग्राइंडिंग आप इस्तेमाल तो यहीं से करोगे राइट right? चलिए जी देन अगर बात करता हूं थर्मोडाइनमिक के अंदर में तो गैस लीकशन हो या रेफ्रिजरेशन हो इनके अंदर भी हमारे पास में क्या है मैकेनिकल ऑपरेशन का जो फिनोमना है, right? है, है क्या ये जो सब्जेक्ट हम स्टडी कर रहे हैं हमें देख के ये लगता है कि हमारे पास में एक पार्टिकल या फिर किसी पार्टिकुलरली क्या है किसी भी शेप के पार्टिकल का स्टडी करना है अच्छा इंडस्ट्री के अंदर कभी तुमको एक पार्टिकल दिखा गया इंडस्ट्री के अंदर कभी भी तुमको बड़ी बोली एक शेप दिखती है क्या कि सारे पार्टिकल जो होंगे सिलेंडरकल होंगे सारे पार्टिकल स्पेकल होंगे नहीं रीजन क्या है कि जहां पर भी इंडस्ट्री के अंदर बात की जाती है इंडस्ट्री के अंदर हमेशा बात की जाती है मिक्सचर्स की किसकी बात की जाती है बिकॉज इंडस्ट्री जो डील तो 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 करती है इंडस्ट्री का डील करने का तरीका क्या है वो है मिक्सचर्स को ठीक है ना अब ये मिक्सचर्स को अगर डील करना है तो मिक्सचर की स्टडी की कैसे जाए अगर मिक्सचर्स को डील करना है तो मिक्सचर्स की स्टडी कैसे की जाए तो मिक्सचर से अगर स्टडी करनी है तो ऑब्वियसली हमारे पास में क्या है पहले एक सिंगल पार्टिकल की स्टडी की जाती है तो आपको पता है अगर जैसे मैं आपसे बात करता हूं कि हमारे पास में कुछ बेसिक शेप्स के नाम बताइए मैं आपसे अगर पूछता हूं कि मेरे को आप लोग कुछ बेसिक शेप्स के नाम बताइए कुछ बेसिक शेप के नाम जानते हैं आप लोग सबसे पहले आप लोग आंसर करेंगे हाँ सर बिल्कुल हम जानते हैं सर एक हमारे पास में स्फीयर है ठीक है जी एक हमारे पास में सिलेंडर है ठीक है देन सर एक हमारे पास में क्यूब भी है ये कुछ बेसिक शेप्स हमारे पास में है अब अगर आपसे मैं पूछता हूं कि इनका पर्टिकुलरली अगर आप शेप जो आपने लिखा है इन में से इनका साइज डिफाइन करने के लिए इनकी बेसिक डायमेंशन कौन कौन सी होंगी तो मैंने शेप लिख दिया इनका साइज डिफाइन करने के लिए इनकी बेसिक डायमेंशन कौन कौन सी नीड होंगी तो सर जी स्फीयर को डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ एक डायमेंशन चाहिए और डायमेंशन का नाम क्या हम सभी जानते हैं क्या है या तो हमारे पास में रेडियस हो या फिर हमारे पास में डायमीटर हो यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं देन अगर सिलेंडर की बात करता हूं सिलेंडर के अंदर भी हमें क्या चाहिए सिलेंडर के अंदर भी हमारे पास में क्या है दो हमारे पास बेसिक डायमेंशन चाहिए हमें क्या चाहिए एक तो लेंथ चाहिए दूसरा हमारे पास में क्या डायमीटर या फिर रेडियस चाहिए राइट लेकिन हम जो क्यूब के बारे में बात करने जाते हैं क्यूब में सिर्फ एक डायमेंशन चाहिए वो हमारे पास में क्या है लेंथ यही है ना बिकॉज अगर हम बेसिकली अगर बात करें तो स्फेरिकल सिलेंडिकल और क्यूब में से अगर बात करते हैं बिकॉज बाकी जितने भी शेप्स हमारे पास में कहीं ना कहीं हमारे पास इन्हीं को मॉडिफाई करके हमने यूज किया हुआ है ठीक है ना हेक्सागोनल की बात करें ट्राइगोनल की बात करें कुछ भी आप बात करने जाते हैं तो अल्टीमेटली हमने इस्तेमाल तो यहीं से किया हुआ है तो ये जो बेसिक शेप्स हमारे पास में है तो इनके लिए हमारे पास में जो रिक्वायर्ड हमारे पास डायमेंशन है वो किसी में एक है किसी में दो है तो अगर कोई भी एक सिंगल पार्टिकल का अगर स्टडी करना स्टार्ट करेंगे वहां से अगर हम क्या करेंगे पूरे बल्क के अगर स्टडी को कन्वर्ट करना चाहेंगे चेंज करना चाहेंगे बिकॉज हमारे पास में अगर सपोज मान लीजिए कोई सिंगल पार्टिकल हो तो उसकी स्टडी हमारे बहुत आसान है एक सिंगल पार्टिकल की स्टडी बहुत आसान है बिकॉज वो मे भी हमारे पास में उसका हमारे पास शेप भी क्लियर होगा और उसमें क्या हमारे पास में क्या है उसका डायमेंशन के रिक्वायर्ड है एज पर द शेप तो वो भी हमें क्लियर होगा लेकिन जब हम मिक्सचर्स की बात करते हैं तो मिक्सचर्स के केस में हमारे पास में क्या है ना ही शेप क्लियर होता है और ना ही साइज क्लियर होता है तो हम वहां पर क्या है एक सिंगल पार्टिकल के स्टडी से स्टार्ट करते हैं और सिंगल पार्टिकल के स्टडी से हम जाते हैं फिर मिक्सचर्स की तरफ तो यही चीज सबसे पहले हम लोग को समझनी है बिकॉज जब भी इंडस्ट्री के अंदर बात की जाती है तो वहां पर कभी भी स्पेसिफिक साइज नहीं दिया जाता आप सबने देखा होगा कभी भी इंडस्ट्री के अंदर में स्पेसिफिक साइज नहीं दिया जाता हमेशा इंडस्ट्री के अंदर एक रेंज की बात की जाती है गौर किया होगा आप लोगों ने इंडस्ट्री के अंदर हमेशा साइज रेंज की बात की जाती है कभी स्पेसिफिक तो साइज नहीं दिया जाता हमेशा साइज रेंज की बात की जाती है कि इस साइज से इस रेंज का होना चाहिए रीजन क्या है कि उस पार्टिकुलर मिक्सचर के अंदर में किस पार्टिकल का एक्चुअली क्या डायमीटर हो वो हमें एक्चुअल नहीं पता है लेकिन हाँ वो जितने भी हमारे पास में पार्टिकल्स हैं उनका मिनिमम साइज और मैक्सिमम साइज इतना होना चाहिए इससे ज्यादा या फिर इससे कम नहीं हो तो वो जो मिक्सचर हमारे पास में है तो उस मिक्सचर का हमने क्या कर रखा है एक हम लोगों ने पार्टिकुलरली हम जब भी बात करेंगे तो एक एवरेज साइज की बात करते हैं किसकी बात करते हैं हम एक एवरेज साइज की बात करते हैं सो so, हमारे पास सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो यही आता है कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पार्टिकल्स एंड पार्टिकुलेट कोई बता सकता है मेरे को व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पार्टिकल जिसके हम बार बार बात कर रहे हैं एंड पार्टिकुलेट ये दो वर्ड्स में एक्चुअली डिफरेंस क्या है फर्स्ट वन इज पार्टिकल एंड वन इज पार्टिकुलेट नाम सुनाओगे सभी पार्टिकुलेट मैटर हम बोलते हैं पीपीएम बोलते रहते हैं पार्ट्स पर मिलियन बोलते रहते हैं उस से मैंने पीछे भी दिखाया है आपको पी एम टू पॉइंट फाइव पी टेन पार्टिकुलेट मैटर के हमारे पास में एक्चुअली जो है पार्टिकुलेट मैटर है क्या और पार्टिकल्स कोई गेस कर सकता है तो पार्टिकल्स तो एक्चुअली हमको पता है पार्टिकल्स तो हमको एक्चुअली पता है कि जो पार्टिकल्स हमारे पास में हैं इन पार्टिकल्स को हमेशा हम डिफाइन करते हैं किसमें बिकॉज पार्टिकल्स हमारे जब भी डिफाइन करेंगे दीज आर द सॉलिड सॉलिड पार्टिकल्स विच आर इरेगुलर इन शेप रेगुलर इन शेपुलर शेप के तो हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है जब भी पार्टिकल्स की आप बात करते हैं मीन यहां पर सिर्फ हम सॉलिड्स की बात कर रहे हैं सिंगुलर एंड प्लोर जब भी हम पार्टिकल्स की, की बात करने जाते हैं तो पार्टिकल्स सिंपल सा मीनिंग क्या है कि यहां पर हम सिर्फ सॉलिड्स की बात कर रहे हैं सबसे बड़ा डिफरेंस यही है मीन वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द होमोजीनियस फेस क्या बोलेंगे ंग अबाउट द होमोजिनियस फेस बिकॉज वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द सॉलिड्स वो है पार्टिकल्स लेकिन जब हम इन पार्टिकल्स को किसी भी फूड में सस्पेंड कर देते हैं बिकॉज जो पार्टिकुलेट मैटर आप डिफाइन कर रहे हैं वो पार्टिकुलेट मैटर हमारा एयर में सस्पेंडेड है आप जब एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं तो वहां पर एक्चुअली हमारे पास जब पीएम की बात की जाती है तो वो पीएम है क्या तो वो सॉलिड पार्टिकल्स जो हमारे एयर में सस्पेंडेड हैं भाई हमारे पास एयर में पार्टिकल सस्पेंडेड किसी रेंज तक ही हो सकते हैं ना बिकॉज तो एक रेंज से अगर बड़ा पार्टिकल होगा तो एयर में सस्पेंड नहीं होगा वो सेटल हो जाएगा मतलब सीधे क्या होगा नीचे आ जाएगा जमीन में तो कभी भी आपने देखा होगा हमारे पास में सपोज आप ऐसे चुपचाप खड़े हैं और आपके सामने से गाड़ी बहुत स्पीड से निकल जाती है तो वहां पर क्या होता है डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं होता है ना आप उनको डस्ट पार्टिकल बोलते हैं पार्टिकुलेट नहीं बोलते हैं डस्ट पार्टिकल हमारे पास में उड़ेंगे उड़ने के बाद में क्या कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे थोड़ी देर के बाद हमारे पास में क्या होगा थोड़ी देर के लिए हमारे पास में धूल रहेगी पूरी और थोड़ी देर के बाद में हमारा आपको लगेगा पूरा क्लियर हो गया लेकिन आप जैसे ही देखेंगे तो आपके हाथ पर शर्ट पर कुछ पार्टिकल्स चिपक जाते हैं होता है तो वो वो पार्टिकल्स हैं जो एक्चुअली हमारे पास में एयर में सस्टेन नहीं कर पाए तो वो आकर के वापस से हमारे क्या है सरफेस पर सेटल होगा ड्यू टू ग्रेविटी तो रीजन क्या है कि वो पार्टिकल्स वो साइज रेंज है जो हमारे पास में क्या है कि किसी हमारे पास फोर्स की वजह से वो उड़े तो सही लेकिन अल्टीमेटली आकर के सरफेस पर चिपक गए लेकिन कुछ हमारे ऐसे हैं लाख कोशिश कर लीजिए भाई साहब वो हमारे एयर में ही सस्पेंड रहेंगे रीजन क्या उनका पार्टिकल साइज इतना छोटा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी उनको एफेक्ट नहीं कर पा रहा है आप समझ आ रहा है तो वो पार्टिकल्स जो हमारे एयर में सस्पेंडेड है दैट आर द पार्टिकुलेट मटेरियल्स लेकिन जो पार्टिकल धूल की तरह उड़े थे लेकिन वापस से आकर के चिपक गए तो उनको आप सिंपली पार्टिकल्स ही बोलेंगे आप समझ आ रहा है तो आपके पास जो पार्टिकल्स आपकी सरफेस पर आकर के वापस से क्या है सेटल हो गए तो वो हमारे सिंपल पार्टिकल्स हैं जिनको आप होमोजीनियस फेज में डिफाइन करते हैं लेकिन जो पार्टिकुलेट मैटर है कभी भी होमोजिनियस फेज में नहीं होता बिकॉज तो पार्टिकुलेट मैटर इज डिफाइंड एज द पार्टिकल्स विच आर सस्पेंडेड इन एनी फ्लू एक डिफरेंस आज पता चल गया जिसकी हम बात करते हैं सुबह शाम डिस्कशन करते हैं पार्टिकल्स पर्टिकुलेट पार्टिकल्स पर्टिकुलेट में डिफरेंस क्या है तो पार्टिकल्स जनरली आर होमोजेनियस फेजेस बट पार्टिकुलेट्स आर जस्ट अ हेटरोजेनियस फेज ध्यान रखेगा कैसा फेज है ये ये हेटरोजेनियस फेज है चलो जी यहां तक देखो सबको समझ में आ रहा है जल्दी से बताओ जरा मेरे को यहां तक सबको समझ में आ रहा है देखो जिनको हम डील करने जा रहे हैं आपको भी पता है जिनको आप डील करने जा रहे हो आपको भी पता है कि भाई साहब इतने आसान तो नहीं है क्यों क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर में आपने किसी भी फ्लूड की केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है पढ़ी है क्या केमिस्ट्री के अंदर किसी फ्लूड की केमिस्ट्री नहीं पढ़ी केमिस्ट्री का मतलब यह है कि एक्चुअली अगर आप उसके क्या करें उसके सॉलिड बिहेवियर की बात करें या लिक्विड बिहेवियर की बात करें तो किसी भी लिक्विड का आपने मोलिकुलर स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है जब भी आपने पढ़ाई किया स्टडी किया है तो हमेशा सॉलिड्स का मोलिकुलर स्ट्रक्चर ही स्टडी किया है रीजन क्या है कि सॉलिड्स का हमारे पास जो नेचर है वो कुछ अलग ही है कुछ केसेस में हमें कैसे मिलते हैं क्रिस्टल्स के फॉर्म में मिलते हैं कुछ केसेस में कैसे मिलते हैं हमार्फर्स मिलते हैं है, है। और कभी कैसे आ जाते हैं हमारे पास में सेमी क्रिस्टल्स आ जाते हैं डील किया है हम लोगों ने सॉलिड्स के अंदर पॉलिमेशन जब पढ़ रहे थे तो कभी हमारे पास मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट कैसा है बहुत ही क्लोज है कुछ केसेस में हमारे पास में क्या वहां पर बहुत सारे वैकेंट स्पेसेस आता है अच्छा लिक्विड के अंदर कभी ऐसा दिखा था क्या जब जब हमने लिक्विड का डीलिंग किया है तो लिक्विड के अंदर कभी ऐसा दिखा था क्या कि मॉलिक्यूल्स कभी, कभी बहुत ही पास में लेकिन फिर एकदम से क्या हो गया बहुत दूर हो गया बीच में वैकेंट स्पेस आ गया हो मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट हमारे पास रैंडम हो एक मॉलिक्यूल यहाँ पर तो एक मॉलिक्यूल वहां पर तो देखा जाए तो लिक्विड से भी सॉलिड्स की स्टडी क्या है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ठीक है ना लिक्विड से सॉलिड का स्टडी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज द अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल्स वो हमारे पास में क्या है बहुत ही रैंडम है जिसकी वजह से आपने उनको क्रिस्टल्स और मॉर्फस के फॉर्म में डिफाइन किया हुआ है आप सभी जानते हो तो क्रिस्टल्स एंड मार्फस बिकॉज लिक्विड में आप सिंपली ये डिफाइन करते हो ना लिक्विड्स की थर्मल कनेक्टिविटी सॉलिड कंपरिजन में कम होती है अब लिक्विड में पर आप क्या करते solid, liquid, में चले जाते इतना ही बोलते ना? लेकिन सॉलिड के अंदर आयरन अलग, अलग, अलग रोल प्ले कर रहा है और इन सबके ऊपर बैठा हुआ बंदा जो मेटल भी नहीं है लेकिन वो सबका बाप है दट इज डायमंड मेटल भी नहीं है लेकिन उसके बावजूद तो सबका बाप है और यही सॉलिड है जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है लिक्विड के अंदर सिर्फ इतना जानते हैं कि लिक्विड की कंडक्टिविटी हमारे पास कम होती है अब लिक्विड में आपने पानी के अलग नहीं निकाली ऑयल के अलग नहीं निकाली ठीक है ना मरकरी के अलग नहीं निकाली बिकॉज आपके पास में लिक्विड का मतलब हो गया हाँ लिक्विड के अंदर सारी की सारी कैटेगरीज कवर अप हो गई लेकिन सॉलिड्स के अंदर में आपने सभी की हर पार्टिकुलर मेटल की या नॉन मेटल की अलग अलग, अलग, अलग कंडक्टिविटीज स्टडी की है रीजन उनका मोलिकुलर स्ट्रक्चर तो यही सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए भी है ठीक है ना इस सब्जेक्ट के अंदर में बिकॉज इनका जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं हमारे पास में क्या है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ठीक है ना तो हमारे पास आपको पता है कि सॉलिड्स के अंदर जनरली हम दो की ही बात करते हैं क्रिस्टल्स एंड मार्फस ठीक है इसका क्या लॉजिक है कैसे ये रोल प्ले करेगा देखो एक चीज हमारे पास कई बार ऐसी होती है जैसे मैं सॉलिड में कई बार एग्जाम्पल आपको चीज का देता हूँ पनीर का देता हूँ तो अगर मैं पनीर का आपको एक्जाम्पल देता हूँ आपको ऐसा देख के लगता है ना कि हाँ हमारे पास पूरा का पूरा एक सॉलिड का क्यूब है और आप जैसे ही कट करते हो हमारे पास में एक सॉलिड का क्यूब आपके पास में ऐसे है ये ठीक है ना सपोज मान लीजिए पनीर का पीस है आप जैसे ही इसको कट करते हो बीस से आपने इसको कट कर दिया आपके पास जो शेप निकल करके आई सर जी कुछ ऐसे शेप निकल कर आती है कट करने के बाद कभी गौर किया आप लोगों ने बिकॉज यू नेवर नो कि उसके अंदर में कहां पर कौन सा वैकेंट स्पेस मिल जाएगा होता है कई बार ऐसा

जो भी सॉलिड्स हो उनका एटलीस्ट हमारे पास में क्या है फेज होमोजीनियस हो अब समझ में आ रही चीज हम ये रिडक्शन क्यों कर रहे हैं बिकॉज हम यही चाहते हैं कि जब हम वहां पर डीलिंग कर रहे हो तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ सॉलिड हो वहां पर कोई वैकेंट स्पेस ना हो कहीं पर एयर ऑक्यूपाइड ना हो तो जब भी रिडक्शन कर रहे हैं उसका मेन परपज एक ये भी है कि कहीं भी हमारे पास में कोई हेट्रोजीनियस फेज ना बने सारा का सारा क्या हो हमारे पास होमोजीनियस फेज हो अब क्लियर हो रहा है सभी को ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का मीनिंग क्या है क्यों हम पार्टिकुलर साइड रिडक्शन करने वाले हैं उसका एक पर्पस हमारे पास ये भी आता है तो इंडस्ट्री के अंदर हमें क्या कर डील करना है बल्क पार्टिकल्स एक एक पार्टिकल डील नहीं करना है हमें चाहिए बल्क तो बल्क के अंदर हमारे पास में क्या किसी भी पार्टिकल के एक सिंगुलर हमारे पास में सिंगल पार्टिकल साइज नहीं होगा इंडस्ट्री के अंदर जब भी हम बात करेंगे तो हमेशा मिक्सचर्स की बात करेंगे और वहां पर साइज रेंज की बात की जाएगी ध्यान रखिएगा जब मैं आपसे वर्ड्स बोल रहा हूँ इंडस्ट्री के अंदर हमेशा साइज रेंज की बात की जाती है ठीक है ना अब साइज रेंज की अगर बात करेंगे तो आपसे बोला जाएगा कि अच्छा मेरे को जरा ये बताओ जरा कि एक्चुअली अगर मेरे को एक डायमीटर चाहिए रेंज के अंदर तो पूरा का क्या है एक रेंज है यहां से लेकर के यहां तक की पूरी रेंज उसके अंदर कुछ भी हो सकता है कितनी सारी प्रॉबल्टीज बन सकती हैं मेरे को कोई एक डायमीटर चाहिए तो आपको जब उस मिक्सचर में से कोई एक डायमीटर चाहिए तो उस केस में हम क्या करते हैं मीन डायमीटर्स का कर इस्तेमाल करते हैं एवरेज डायमीटर्स का कर इस्तेमाल करते हैं लेकिन अब यहां पर क्वेश्चन यही आता है कि जैसे हमारे पास में एक क्लास के अंदर में कुछ गर्ल्स एंड कुछ गर्ल्स एंड कुछ, कुछ बॉयज हैं और आपसे अगर ये बोल दिया जाए कि मेरे को इस पूरी क्लास में से एक एवरेज एक एवरेज क्या चाहिए साइज चाहिए यही बोला जाएगा ना तो आप अगला क्वेश्चन छूटते ही बोलोगे भाई साहब साइज किस बेसिस पर चाहते हो डायमीटर बेसिस पर बिकॉज तो ये भी साइज है या लेंथ बेसिस पर मतलब हाइट बेसिस पर चाहते हो अगला क्वेश्चन आएगा ना छूटते ही आपके दिमाग में जैसे ही वो आपसे बोलेगा कि इस क्लास के अंदर में गर्ल्स एंड बॉयज अगर हैं तो इनमें से मेरे को एक एवरेज साइज चाहिए तुरंत आप बोलेंगे कि भाई साहब साइज चाहिए कैसा उनकी थिकनेस वाइज चाहिए हेल्थ वाइज चाहिए, चाहिए तो यही हमारे पास डिमांड इंडस्ट्री के अंदर होती है जैसे ही आपने बोला कि नहीं मेरे को एक साइज चाहिए तो वहां पर आता है मीन एवरेज वर्ड आता है जब एवरेज की बात की जाती है तो एवरेज एक्चुअली आप किस परपज के लिए चाहते हो तो पहले पर्पज प्रूफ करिए कि पर्पज क्या है आपका ठीक है ना तो उस पर्पज के लिए हम फिर एवरेज निकालते हैं इंडस्ट्री के अंदर हमारे पर्पज डिफरेंट हैं अभी हम बात करेंगे उसके बारे में इंडस्ट्री के अंदर हमारे पर्पज भी डिफरेंट हैं ऐसा नहीं उठा के सारे पार्टिकल साइज भैया मिक्सचर के अंदर में कितने मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होंगे हर एक पार्टिकल का साइज हमको पता भी नहीं है आप कैसे एवरेज फाइंड कर सकते हो तो क्वेश्चन तो यही बनता है ना कि वो जो हमारे पास में एक ढेर लगा हुआ है पार्टिकल्स का उसका अगर आपको एवरेज साइज चाहिए या फिर आपको एवरेज डायमीटर अगर निकालना चाहते हैं तो उसका कुछ ना कुछ पर्पज होगा किस बेसिस पर चाहते हैं आप ठीक है ना तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे अभी मैं आपको सिर्फ इतना समझा रहा हूं कि एक्चुअली जो चीज हमको आसान लगती है वो आसान है भी नहीं क्योंकि इसके अगर हम अंदर तक घुसते जाए घुसते जाए घुसते जाए तो हमारे पास बहुत डीप में सब्जेक्ट है यह ठीक है चलो जी आप चीजों को ध्यान सुनिएगा है ना अब अगला क्वेश्चन हमारे पास में ये यह आता है यहां तक सबको समझ में आ रहा है कई बार स्टूडेंट को लगता है स्टार्टिंग मेरा पार्ट थोड़ा सा बोरिंग लगता है एक्चुअली बोरिंग इसलिए है कि यहाँ पर आपके पास में क्या है कभी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है अभी हम सिर्फ चीज़ों को क्या है? है। कर रहे हैं बिल्डअप कर रहे हैं बिल्डअप इसलिए कर रहे हैं कि एक्चुअली पार्टिकल है क्या और इंडस्ट्री के अंदर जब हम बल्क पार्टिकल्स को डील करने जाएंगे तो वहाँ पर हमें कैसे फील करना है कैसे चीज़ों को क्या करना है समझना है तो वो चीज़ समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ठीक है ना तो अभी तक हमको इतना पता चल चुका है कि इंडस्ट्री के अंदर हमको डील करना है बल्क पार्टिकल्स को और उनका हमारे पास में कोई भी एक साइज नहीं होता साइज रेंज होती है साइज रेंज से अगर हमको कोई अगर एवरेज डायमीटर कर निकालना है तो आप लोग डायमीटर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हमारी एक क्वेश्चन बन चुका है ठीक है चलिए जी तो अब हम बात करने वाले सिंगल पार्टिकल स्टडी के लिए अगर हमारे पास कोई भी एक सिंगल पार्टिकल का स्टडी करना है तो हमारे पास क्वेश्चन अब ये बनता है कि एक्चुअली सिंगल पार्टिकल की स्टडी की कैसे जाए तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने अपने क्या दिए थे विजन दिए थे ठीक है ना कि एक्चुअली अगर हमें किसी पार्टिकल का अगर साइज अगर निकालना है तो हम कैसे निकालें तो किसी ने बोला ऐसा करो उसकी दो एक्सट्रीम इमेजेस को ले लो दो एक्सट्रीम इमेजेस के बीच में डिस्टेंस मेजर कर लो वो उसका साइज हो गया ठीक है ना तो ये डिफरेंट हमारे पास कुछ लोगों ने अपने विजन्स दिए बिकॉज हमारे पास आप ध्यान रखिएगा दिमाग के अंदर हमेशा कि जो आप पार्टिकल डील कर रहे हैं वो एक रेगुलर हमारे पास शेप का है सपोज मान लीजिए एग्जाम्पल की आपसे बात करता हूं ये हमारे पास एक पार्टिकल है पार्टिकल है को ये कोई ये ठीक है ना माइक्रोस्कोपिक व्यू अगर देखने जाते हैं तो हमें कुछ ऐसा दिखता है तो वही साल्ट जो हमें घर में बिल्कुल गोल गोल से दिखता है अगर माइक्रोस्कोपिक भी वो देखेंगे तो ऐसा पता चल रहा साल्ट हमारा ऐसा है अब तुमसे ये बोला जाए कि बेटा मैंने बताया बताओ जरा उस साल्ट का साइज क्या है ये आपको दिख रहा का है कैसा होगा तो तुमसे अगर ये बोला जाए कि इस साल्ट का जो आपको दिख रहा है साल्ट का साइज क्या है अब तुम क्या करने जाओगे किधर से मेजर करोगे हम सर इधर से मेजर करेंगे ठीक है जी ये लो हमने इधर से मेजर कर लिया

पूरा का पूरा जो क्रॉस सेक्शन है उसको बीस से कट कर दो पूरा का पूरा जो क्रॉस सेक्शन एरिया है तो ये जो पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको क्या करो ऐसा करो बीस से कट कर दो अब बीस से अगर आप कट कर दो रोकना है इसको इरेज करना पड़ेगा तो इसको बीस से कट करने के बाद हमारे पास में क्या है जो डायमेंशन आती है वही हमारा क्या साइज है तो ये थ्योरी ने बोला हाँ यार अच्छी तो लग रही है ये पूरा का पूरा हमारे पास में क्या है कोई भी अगर आपके पास में अगर पार्टिकल है तो ये पार्टिकल हमारे पास में क्या है इसको बीस से कट कर दो तो उसने बोला बिल्कुल कट कर देते हैं तो उसने उसने उठा उठा करके करके क्या किया उसने उठा करके उसको बीस से कट कर दिया से कट कर दिया तो बोला कि हाँ अभी जो हमको मिला है ये हमारा क्या पार्टिकल साइज है तो फिर किसी ने हाथ उठा दिया बोला नहीं जरूरी है क्या हम ऐसे ही कट करें हम तो ऐसे कट करेंगे ये थ्योरीज आई थी 1929 में 1920, 1931 थर्टी तब थ्योरीज आ रही थी ये सारी ठीक है ना फेरेट्स मार्टिन साइंटिस्ट से तब ये थ्योरीज दे रहे थे ये किसी ने बोला दो एक्सट्रीम एजेस के बीच का डिफरेंस ले लो किसी ने बोला क्रॉस सेक्शन इसको बीच से बायसेकट कर दो लेकिन आपको पता है कि दोनों के दोनों थ्योरीज में कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर में क्या कुछ ना कुछ ये कीड़ा बन रहा है कि कैसे ये सही कैसे है उसके बाद फिर हमारे पास जो तो थर्ड थ्योरी निकल करके आई वो हमारे पास में थी सबसे बेस्ट थ्योरी ठीक है ना ध्यान रखिएगा तो जो हमारे पास दो एजेस के बीच का डायमीटर हम जो डिफरेंस कर रहे थे वो हमारे पास में क्या था दैट वॉज द फेरेट्स डायमीटर ये फेरेट की थ्योरी थी ध्यान रखिएगा कहीं आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी इसको बोलते हैं फेरेट्स डायमीटर ठीक है ना कहीं जरूरत आपको नहीं है बस तुम्हारे नॉलेज जानकारी तुमको बता रहा हूं ये है फेरेट्स डायमीटर फिर दो बोला गया कि जब कॉन्स्टेशन को 20 से बाई सेट कर दो तो ये जो थ्योरी दी गई थी ये मार्टिन ने दी थी ये जो थ्योरी दी थी ये मार्टिन ने दी थी उन्होंने ये बोला एक काम करो बीस से डाइवर्ट अगर वो कर दो तो बीस से बाइसेट करने के बाद में जो हमारे पास में डायमेंशन आएगी वो हमारा पार्टिकल का साइज होगा ठीक है ना तो ये दो हमारे पास में थ्योरीज आई थी इसके बाद हमारे पास सबसे इफेक्टिव एक थ्योरी आई थी और उसका नाम हमारे पास में था दैट वॉज एवरेज पार्टिकल साइज एवरेज से पहले हमारे पास में आया दैट इज इक्वलेंट पार्टिकल साइज अच्छा इक्वलंट वर्ड का मीनिंग पता है इसवलेंट वर्ड में जैसे मैंने अभी इस्तेमाल किया इस इक्वलेंट वर्ड का मीनिंग पता है तो जैसे इक्वलंट वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं आपके दिमाग में एक चीज आ रही है कि हाँ किसी भी चीज से हम इसको कंपेयर करें और हम क्या करें उसके इक्वलेंट एज्यूम करें

तो हमारे पास इक्वेलेंट का मीनिंग क्या है कि हमारा हाँ काम वही होना चाहिए तो काम क्या है हमारे पास काम है साइज निकालना तो हमारा साइज निकालना चाहिए ठीक है ना और साइज अगर निकालना है तो साइज निकालने के लिए हम पार्टिक अपने जो हमारे पास इरेगुलर शेप का पार्टिकल जो है उस पार्टिकल को हम किसी के इक्वलेंट माने तो हमारी चीज आसान हो जाएगी जिसका हम साइज मेजर करना चाहते हैं उसको हम किसी के इक्वेलेंट मान लें

गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं तो वहाँ पर अगर आपसे बोला जाए कि उनका हमारे पास में साइज बताइए तो साइज बताने के लिए तुरंत आपने क्वेश्चन किया साइज किस परपज से चाहिए थिकनेस चाहिए ठीक है ना या फिर हमारे पास में क्या हाइट चाहिए तो वही हमारे पास सेम चीज़ है क्या ये जो एक इक्वलेंट डायमीटर आप निकालना चाहते हैं तो दुनिया के अंदर सबसे जो हमारे पास में जो नॉन एंड इजी हमारे पास में कैलकुलेशन जो है और जो हमारे पास साइज और शेप है वो किसका है स्फीयर का है तो सीधी सी बात ये हुई कि अगर हम क्या करते हैं अगर स्फीयर के साथ में कंपेयर करना स्टार्ट करें किसी इरेगुलर शेप के पार्टिकल को स्फीयर के साथ अगर कंपेयर किया जाए लेकिन सर स्फीयर के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं बिकॉज़ वो पार्टिकल तो इरेगुलर शेप का है उसका कैसा भी कैसा डायमेंशन आ रहा है और वो अगर हमारे पास स्फीयर का अगर हम सर्क्यूलेंट अगर माने तो कैसे कैसे पॉसिबल होगा बिकॉज स्फीयर तो हमारे पास में एक रेगुलर शेप का पार्टिकल है और वह इरेगुलर शेप का पार्टिकल है कैसे मान सकते हैं फिर लोगों ने क्वेश्चन किए ये

दोनों को ऊपर ले जाकर के एक हाइट पे ले जाकर के पचास हजार फीट पे ले जाकर के वहां से नीचे फेंका गया पैरा जंपिंग जिसको बोलते हैं अब वहां पर केस में यही आता है कौन सा बंदा पहले नीचे आएगा दोनों में से कौन सा बंदा पहले नीचे आएगा यही चीज पार्टिकल के अंदर में आती है कि अगर आपके पास में दो डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स अगर हैं और ध्यान सुनना मेरी बात को उस केस में अगर दो पार्टिकल्स को किसी बड़े बोली हाइट से अगर क्या किया जा रहा है छोड़ा जा रहा है जिसको हम सेटलिंग बोलते हैं जैसे आपके पास में डस्ट पार्टिकल्स आप देखते हो ना पानी में कई बार बालू आ जाती है पानी पानिया भर के रख देते हो तो उसमें क्या होता है कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं भाई साहब विदिन सीधे बेस से पहुंचते हैं लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कम से कम दस मिनट पूरा टाइम लेकर के तब वो नीचे पहुंचेंगे तीन में डिफरेंस किसका है तुरंत बोलोगे सर एक जो है ना इसका साइज था इसका ज्यादा था, था एक का साइज कम था चलिए ठीक है मैंने मान लिया मैंने मान लिया कि एक का साइज ज्यादा था एक का साइज कम था लेकिन

जो पार्टिकल जल्दी सेटल हुआ है और जो देर से सेटल हो रहा है बिकॉज आप वहां पर साइज को नहीं बोल सकते हो फिर रीजन क्या है फिर वहां पर कहीं ना कहीं हमारे पास में क्या है वहां पर कहीं ना कहीं हमारे पास डेंसिटीज इन्वॉल्वमेंट होना स्टार्ट हो जाती है होता है ना तो डेंसिटी का मतलब क्या है मास पर यूनिट वॉल्यूम बोलते हो ना जब कभी अगर गेहूं धुलने जाते हो तो गेहूं धुलने केस में क्या होता है आप उसी का इस्तेमाल कर रहे हो तो जो हमारे पास में जो ग्रेन है गेहूं का जो ग्रेन है वो नीचे चला जाता है जितना भी हमारे पास में बाकी इंप्योरिटीज सारी ऊपर आ जाती हैं जिसको हमने अपनी मतलर्जी के अंदर में फ्रॉस फ्लोटेशन में भी पढ़ा था तो भाई साहब हर जगह हमारे पास साइज मैटर नहीं करेगा फिर कुछ केसेस में हमारे पास में साइज के साथ साथ में क्या है उसकी बाकी प्रॉपर्टीज मैटर करना स्टार्ट कर देती हैं तो वहां पर आ गया डेंसिटी का इन्वॉल्वमेंट और डेंसिटी डिफाइन किया गया है मास पर यूनिट वॉल्यूम मास फेर वॉल्यूम किसका है उस पार्टिकल का क्यों एक पार्टिकल आप इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पर हमारे पास में क्या जो वॉल्यूम आपको दिख रहा है उस वॉल्यूम के अंदर में पार्टिकल्स का मास कितना ऑक्यूपाइड है एक दूसरा पार्टिकल है हमारे पास में ठीक है ना जैसे हमारे पास एक प्लास्टिक का बॉल है और एक मेरे पास में क्या है एक कंची कंची होती है ना ग्लास वाली कंची ऐसे करके खेलते हैं जो एक प्लास्टिक का इतना बड़ा वाला बॉल है और ग्लास एक कंची है दोनों को पानी में छोड़ें कौन सा पहले सेटल करेगा कौन सा पहले सेटल करेगा तुम्हारे वो वाले तुम कॉन्सेप्ट बड़ा वाला पार्टिकल साइज पहले सेटल करेगा यहां आके फेल हो गया यही ब्यूटी है पार्टिकल साइज की क्लियर हो रहा है सब कुछ यही ब्यूटी है पार्टिकल साइज की. की रीजन क्या है कि हर चीज पार्टिकल साइज से डिफाइन नहीं कर जा सकती तो अगर आप इक्वलेंट वर्ड की बात कर रहे हैं तो किस के लिए चाहते हो पहले ये बताओ जो साइज हम निकालना चाहते हैं साइज किस के लिए चाहते हो बिकॉज एक एक बड़ी सी एक छोटी सी बॉल छोटी कंची दोनों अलग अलग काम प्ले करने लगती हैं देखने में आप देख रहे हो उनको अगर तो ऐसा रखी है तब तो ठीक है लेकिन हमें सॉलिड जितने भी हम यहाँ पर हैंडल करने वाले इनको क्या चुपचाप उठा करके ऐसे रख देना है क्या हो केस में नहीं इन्हें प्रोसेस करना है इंडस्ट्री के अंदर में रिएक्टर के अंदर प्रोसेस करेगा हमारे पास ऑब्जॉर्शन टावर के अंदर प्रोसेस करेगा तो इन्हें प्रोसेस करने के टाइम पर हमारे पास में चीजें जो है ना फिर वो डिफरेंट हो जाएंगी तो हमें स्टडी भी इस परपज से करनी है ताकि अल्टीमेटली हमारे पास में सॉलिड हमारा यूजफुल बना रहे बिकॉज एक बॉल है और एक कंची है साफ में दिख रहा है हमारे पास में कि दोनों का साइज अलग अलग है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जब इनका प्रोसेस में इस्तेमाल करेंगे इनको मैंने पानी में जब छोड़ना स्टार्ट किया तो दोनों का हमारे पास में क्या है दोनों का सेटलिंग रेट अलग अलग आ रहा है रीजन क्या है उसका साइज बड़ा जरूर है लेकिन अल्टीमेटली क्या है वो हल्का है वो लाइट है वो ग्लास का छोटा सा जो कंचा है वो देखने में छोटा जरूर है लेकिन क्या है वो भारी है तो साइज मैटर करेगा शेप मैटर करेगा लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास बहुत सी प्रॉपर्टीज मैटर करती है ठीक है तो एक्चुअली आप जो इक्वलेंट uh, साइज निकालना चाहते हो तो साइज किस पर्पज के लिए निकालना चाहते हो तो पर्पज हमारे पास में डिफाइन किया गया था पर्पज हमारे पास में क्या है कि एक्चुअली हम ये चाहते हैं कि हमारे पास में जो वॉल्यूम हमारा इरोगुलर शेप का है वही वॉल्यूम स्पेयर का हो जो वॉल्यूम हमारा इरोगुलर शेप का है वही वॉल्यूम हमारा स्फियर का हो हम वॉल्यूम इक्वलन करना, करना चाहते हैं हम सरफेस एरिया इक्वलन करना चाहते हैं हम प्रोजेक्टेड एरिया इक्वलन करना चाहते हैं ठीक है ना हम सेटलिंग वेलोसिटी इक्वलेंट करना चाहते हैं हम स्क्वायर अपर्चर के अंदर में हमारे पास में जो पास हो सके साइज वो हम इक्वलेंट करना चाहते हैं उसके बेसिस पर हमारे पास में क्या इक्वलेंट साइज डिफाइन किया जाएगा ठीक है ना अब हम इसकी तरफ मूव करते हैं यहां तक बताओ जरा सबको क्लियर हुआ जल्दी से बताओ जरा यहां तक क्लियर हुआ सभी को कोई भी अगर डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हो चलिए जी अब बात करते हैं जरा इक्वलेंट वर्ड जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ठीक है ना तो कैसे हम साइज पता करें ध्यान सुनना जरा जो भी हम इक्वेलेंट वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं यहां से हम कैसे साइज पता करें बिकॉज हमें साइज पता करना है ना ध्यान रखिएगा हम साइज की भी बात कर रहे हैं हमारा प्राइमरी मोटो अभी जो है ना साइज की तरफ है तो हम साइज की बात कर रहे हैं तो यहां से अगर हमें क्या करना है हमें अगर साइज पता करना है तो साइज हम कैसे पता करें तो मैंने पहला काम ये कि हम ये चाहते हैं उससे हम कंपेरिजन करना चाहते हैं तो दोनों का हमारा वॉल्यूम क्या है इक्वलंट हो हमने ये कंपेयर किया क्या बोला मैंने कि दोनों का हमारे पास में क्या है इरेगुलर शेप का जो हमारे पास में पार्टिकल है उसका वॉल्यूम और स्फीयर का वॉल्यूम दोनों का क्या हो इक्वेलेंट हो मतलब सेम हो ठीक तो है ना चलिए जी तो वॉल्यूम ऑफ हमारे ध्यान हम से तो वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल हमारे पास में क्या वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो हम पता कर सकते हैं क्या होता है हमारे पास दैट इज पाई बाय सिक्स एंड डी क्यूब यही होता है हमारे पास में अब यहां से अगर हम क्या करना चाहते हैं ये जो हमारे पास में डायमीटर है इसको मैं वॉल्यूम डायमीटर बोल दे रहा हूं ठीक है ना मैं वी वर्ड का इस्तेमाल कर ले रहा हूं बिकॉज हमें बहुत से डायमी अभी निकालने हैं डी वी वर्ड यहां पर लिख दिया अगर मैं आपसे बोलता हूं कि नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी वी ये साइज एक्चुअली है क्या तो आप यहां से निकाल सकते हैं दैट इज कितना आ जाएगा दैट इज पार्टिकल वॉल्यूम और इसका क्या आ जाएगा क्यूब रूट यही आ जाएगा ये हमारे पास में क्या है ये हमारे पास में हमें साइज पता चल गया कि अगर इस साइज का अगर इस साइज का हम अगर क्या करें अगर पार्टिकल अगर रहे रहेगुलर शेप का तो उससे हमारे पास में क्या दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा सर तो इसका इस्तेमाल हम क्यों करेंगे इसका यूज क्यों कर रहे हैं रीजन ये है कि जब हम सेटलिंग की बात करते हैं मैं उतनी देर से एग्जाम्पल जो आपको दे रहा था ना सेटलिंग की जो हम बात करते हैं सेटलिंग में हमारे पास में क्या है कोई पार्टिकल हमारे पास में ड्यू टू ग्रेविटेशन लाइसेशन जब नीचे हमारे पास में ट्रेवल करता है किसी लिक्विड के अंदर में उस केस में हम सभी को पता है कि हमारे पास में जो डेंसिटी डिफाइन की जाती है तो डेंसिटी हमारे पास में क्या है मास पर यूनिट वॉल्यूम की है बहुत ध्यान सुनना जरा मास पर यूनिट हमारे पास वॉल्यूम है ठीक है तो अल्टीमेटली हमारे पास में क्या होने वाला है अगर कोई भी स्फीयर जितना वॉल्यूम उसका है अगर उतना ही वॉल्यूम बहुत ध्यान सुनना जरा उतना ही वॉल्यूम हमारे पास में क्या है उतना ही वॉल्यूम हमारे पास में अगर इरेगुलर शेप के पार्टिकल का है अगर दोनों का वॉल्यूम हमने अगर सेम कर दिया तो अल्टीमेटली दोनों का हमारे पास में क्या हो जाएगा दोनों का हमारे पास में डेंसिटी का कंपेरिजन हमारे लिए आसान हो जाएगा बिकॉज हम वेट डिफाइन करेंगे बिकॉज देखो हमारे पास है क्या पार्टिकल जो सेटल कर रहा है वो ड्यू टू ग्रेविटेशन एसोलेशन सेटल कर रहा है मतलब उसकी वेट की वजह से w डिफाइन करेंगे तो वो हो जाएगा m into g m क्या है हमारे पास में ठीक है तो मास जो हम डिफाइन कर रहे हैं मास है क्या दैट इज डेंसिटी वॉल्यूम बहुत ध्यान सुनना जरा डेंसिटी वॉल्यूम तो अभी हमारे पास में क्या हो जाएगा जब तो मास हम लिखेंगे दैट इज डेंसिटी वॉल्यूम g तो अगर हमारे पास में इरेगुलर शेप के पार्टिकल मतलब अगर अगर सेम हो गया तो अल्टीमेटली समझ आ रही ये चीज़? किस पर अगर वॉल्यूम अगर दोनों के सेम हो गए मतलब अगर ये हमारा अगर क्या है अगर ये हमारा वेट अगर किसका है अगर पार्टिकल का है कौन सा पार्टिकल कोई भी इरेगुलर शेप का पार्टिकल है अगर उसका ये वेट है ठीक है ना और दूसरा हमारे पास कोई एक स्फेरिकल पार्टिकल उसका हमारे पास जो वेट है दैट इज है डेंसिटी इनटू हमारे पास वॉल्यूम इनटू जी ये दोनों के दोनों वॉल्यूम हमने सेम मान लिए है ना दोनों के दोनों वॉल्यूम हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों के दोनों वॉल्यूम हमारे पास में सेम है इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पास में जो एक्चुअली हमारे पास में सेटलिंग है वो सिर्फ डेंसिटी पर डिपेंड कर रही है दिख रहा है ना बिकॉज स्फीयर की डेंसिटी अलग होगी और पार्टिकल की डेंसिटी अलग होगी तो सिर्फ डेंसिटी का डिफरेंस आ रहा है आ रहा है ना अल्टीमेटली हमारे पास में क्या है मतलब सिंपल सी चीज ये हो गई कि हमारे पास में इस केस में जो सेटलिंग हमारी होगी कहीं ना कहीं क्या है सिर्फ मटेरियल प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगी साइज पर डिपेंड नहीं करेगी तो ये जो फिनना हमारा है ठीक है ना बेस्ड ऑन वॉल्यूम ये हमारा इस्तेमाल होता है सेटलिंग के केस में रीजन क्या है कि दोनों के दोनों पार्टिकल्स चाहे वो आपका स्पेरिकल पार्टिकल हो चाहे रेगुलर शेप का पार्टिकल हो दोनों पर ग्रेविटेशन रेसोलेशन तो सेम ही काम करेगा तो जी से जी भी आप कैंसिल कर सकते हो हो जाएगा तो हमने दोनों का सेम मान के चले का अल्टीमेटली हमें साफ पता चल रहा है ठीक है पर करेगी। तो इससे एक मोटो क्लियर हो गया। ना इससे एक हमारा मोटो क्लियर होगा कि हमारे पास में अगर इरेगुलर शेप का पार्टिकल भी है अगर हम अगर क्या करते हैं उसका इक्वल्ट क्या कर लें अगर द बेस ऑफ अगर वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो वो हम निकाल सकते हैं ठीक है तो ये हमारा इस्तेमाल होता है कहां पर वो हमारा इस्तेमाल होता है इन द केस ऑफ सेटलिंग तो वॉल्यूम के बेसिस पर इक्वलेंट साइज निकालना ये हम यहां से निकाल सकते हैं अभी क्लियर हुआ बेटा सभी को चलो जी अब आते हैं अगले केस की तरफ किसी ने बोला नहीं हमें तो वॉल्यूम के बेसिस पर नहीं चाहिए बिकॉज हमारा पर्पज दूसरा है ना हमारा इंडस्ट्री के अंदर हर बार केस में क्या है परपज दूसरा है तो अभी हमें क्या चाहिए हमें चाहिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम मास ट्रांसफर रेट हम ये चाहते हैं एक मिनट रुकना बेटा ये यार बीच में बहुत ज्यादा आने लगे हम क्या चाहते हैं कि हमें क्या चाहिए सरफेस एरिया मैक्सिमम चाहिए ठीक है ना सरफेस एरिया मतलब सरफेस एरिया मतलब हमें चाहिए सरफेस केमिस्ट्री के पर्पज से क्यों पार्टिकल साइज बड़ा या पार्टिकल साइज छोटा यह मैटर कहां पर कर रहा है कि अल्टीमेटली कितनी हमारे पास में सरफेस अवेलेबल है फॉर एक्सचेंजिंग द मास और एक्सचेंजिंग द एनर्जी तो वहां पर हमारे पास जहां पर भी सरफेस एरिया का हमारे पास में यूज हुआ इसका इस्तेमाल आप सबसे ज्यादा करते हैं कहां पर ऑपरेशन और, और खास करके एब्जॉर्प्शन के अंदर या एब्जॉप्शन के अंदर तो आपको मैं सिंपली अगर बोलता हूं कि मेरे पास में जो मैक्सिमम सरफेस एरिया हमको मिल सकता है किस शेप के पार्टिकल में मिल सकता है तो कंफ्यूजन आएगा कि एक्चुअली किस शेप के पार्टिकल में सरफेस एरिया मैक्सिमम मिल सकता है तो आपको पता है कि एब्जॉपन टावर के अंदर में मैक्सिमम जो हम लोग पैकिंग का इस्तेमाल करते हैं वो सिलेंडर शेप की होती है, है ना जो मैक्सिमम हम पैकिंग का इस्तेमाल करते हैं सिलेंडिकल शेप की होती है रीजन क्या है कि सिलेंडर के अंदर हमारे पास में क्या है सिलेंडर के अंदर में जितना सरफेस एरिया हमें बाहर से मिल रहा है उतना ही सरफेस एरिया अंदर से भी मिल रहा है है ना आप सभी जानते होंगे हमारे पास पैकिंग टावर के अंदर में जितने भी हम पैक्ड रिंग्स का तो इस्तेमाल करते हैं जिनको आप जनरली रेसिंग रिंग्स बोलते हैं तो पैकिंग जो भी इस्तेमाल की जा रही है वो सिलेंडिकल शेप की है तो उनका इस्तेमाल हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि जितना मैक्सिमम हमारे पास ना सर्फेस एरिया बाहर से अवेलेबल उतना ही अंदर से अवेलेबल हो सके तो यहां पर जब आप साइज़ चाहेंगे पार्टिकल का तो वो पर्पज हमारा चेंज हो गया रीजन हम चाहते हैं किस परपज के लिए हम इक्वलेंट चाहते हैं सरफेस एरिया के लिए कितना जितना सरफेस एरिया हमारा पार्टिकल का है उतना ही सरफेस एरिया हमारा स्पीयर का हम इस बेसिस पर इक्वलेंट चाहते हैं ठीक है जी तो सरफेस एरिया पार्टिकल इज कल टू सरफेस एरिया ऑफ स्पीय कितना होता है डी एस का मतलब यहां पर क्या है सरफेस एरिया के लिए अवेलेबल डायमीटर निकाले जरा यहां से तो डी एस आने वाली है कितनी आ रही है मेरे पास दैट इज तो द स्क्वायर रूट लो जी तो यहां से हमारे पास में पार्टिकल साइज आ गया बेस्ड अपॉन द सर्फेस एरिया कि जो हमारे पास इेगुलर शेप का पार्टिकल है उसका सरफेस एरिया और हमारा स्फीयर का सरफेस एरिया सेम हो बिकॉज पर्पस हमारा है कि मास हम मास ट्रांसफर रेट सेम करना चाहते हैं तो उस पर्पस में हमारे पास में क्या है जो साइज ऑफ द पार्टिकल है वो हम यहां से निकाल सकते हैं तो ये हमारे पास में डिफरेंट पर्पजेज के हिसाब से हम क्या करते हैं साइज निकालते हैं आप समझ आ रहा है हम डिफरेंट परपज के हिसाब से अपने साइज निकालते हैं तो पीछे हमने साइज निकाला देखो वहां पर हमारे पास डायमीटर कुछ और आएगा आएगा ना आपको साफ पता चल रहा है यहां पर हमारे पास में डायमीटर कुछ और आएगा पीछे जो हमने निकाला वहां पर डायमीटर कुछ और आएगा क्यों क्योंकि भाई साहब हमारे पास में किसी भी केसेस के अंदर में हम इरेगुलर शेप के पार्टिकल का एक्यूरेट डायमीटर मेजर करना बहुत टफ है तो सीधी सी बात है परपज आप बताइए परपज के हिसाब से डायमीटर आपको मिल गया ये तो बात हो गई किसके लिए तो बात कर ली सरफेस एरिया के लिए हमने अब सरफेस एरिया से हमारे पास में क्या है फायदा मिल गया मास ट्रांसफर के लिए दूसरा हमारे पास अब बात आता है वॉल्यूम टू तो सरफेस रेशियो ध्यान सुनना जरा वॉल्यूम टू तो सरफेस रेशियो की अब बात करते हैं अगर गुड मॉर्निंग बेटा तो अब हमारे पास में मतलब उसका वॉल्यूम और उसका सर्फेस एरिया दोनों का हमारे पास अल्टीमेटली क्या है रेशियो ठीक है ना सबसे बड़ा रोल हमारे पास इसका कहां पर है सबसे बड़ा रोल है कि एक्चुअली जो भी आप पार्टिकल्स इस्तेमाल कर रहे हैं इनका हमारे पास टोटल वॉल्यूम और उस टोटल वॉल्यूम में से अवेलेबल सरफेस एरिया मींस मीन टावर जो पैकिंग का आपने इस्तेमाल किया उस पैकिंग का टोटल कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा पैक्ड बेड का टोटल वॉल्यूम होगा उस टोटल वॉल्यूम के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं मतलब कितना टोटल सरफेस एरिया दैट्स मैटर सपोज मान लीजिए ये हमारे पास टोटल वॉल्यूम है पैकिंग का अब जॉशन टावर के अंदर इसके अंदर में हमारे पास में जो पार्टिकल्स हैं वो इस शेप के हैं इस हमारे पास साइज के हैं हाँ जी एक हमारे पास ऐसा केस है समझना बेटा ध्यान से जरा लेकिन एक दूसरा हमारे पास पैकिंग टावर हमारे पास में जिसका वॉल्यूम सेम है जिसका वॉल्यूम बिल्कुल सेम है पैकिंग का जो हमारे पास वॉल्यूम बिल्कुल सेम है लेकिन उसके अंदर जो पार्टिकल साइज है ना वो ऐसा है हाँ जी बताओ जी मास ट्रांसफर रेट किसमें हाई मिलेगा हमारे पास किसमें हाई मिलेगा आप आंसर अच्छी तरीके से जानते हो हाँ जी किसमें हाई मिलेगा मास ट्रांसफर रेट या याप्शन रेट किसमें हाई मिलेगा ये है हमारे पास इस वाले में हाई मिलेगा दिस विल फर्स्ट वन एंड इसमें हाई मिलेगा सेकंड वन क्यों दोनों का वॉल्यूम तो सेम ही है इस्तेमाल किस में बड़ा यूज किसका आया सरफेस एरिया का तो वॉल्यूम टू तो सरफेस हमारे पास में क्या है रेशियो जो है ना ये भी मैटर करता है और इसके बेसिस पर अगर हम साइज निकालना चाहते हैं यस डेफिनेटली

इसके साथ साथ हम सबको पता है कि एक्चुअली हमारे पास है क्या जैसे यहाँ पर की बात कर आपको पता है कि प्योर सब्सटेंस को डील करना अलग है लेकिन हमारे पास में जो भी हो रहा है वहां पर दो पर्टिकुलरली सब्सटेंसेस का इंटरफेस है वहां पर एक लिक्विड भी और एक गैस भी है और एब्जॉप मैक्सिमम केसेस के अंदर वहीं इस्तेमाल कर रहे हैं जहां पर हमारे पास दो सब्सटेंसेस का इंटरफेस बन रहा है एक लिक्विड और दूसरा हमारे पास गैस और इनके लिए जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारे पास में क्या सर्फेस एरिया अवेलेबल हो सके उतना ही हमारे लिए बेटर है इस बेसिस पर हमने क्या किया इस बेसिस पर हमने डिफाइन किया हमारे पास में क्या अपने बड़े डायमीटर को जहां पर हम ये चाहते हैं कि हमारे पास हमारा सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो स्फीयर के हमारे पास में क्या है सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो के सेम हो ठीक है सो वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल टू द सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल रखेगा वॉल्यूम टू सरफेस रेशियो की बात की जा रही है तो वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल टू द सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल वॉल्यूम ऑफ एफियर टू द दर्फेस एरिया ऑफ हमारे पास स्फेर. तो वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल टू द सर्फेस एरिया ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्पियर ऑलरेडी हमको पता है दैट इज पाई बाई सिक्स डीवी क्यूब एंड सरफेस की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा दैट इज पाई एक मिनट रुको जरा इसका सिंबल थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं चलो लिखा रहे दो तो यहां से हमारे पास क्या निकाल सकते हैं वी कैन कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द पार्टिकल ठीक है कितना आ जाएगा दट इज सिक्स वीपी ओवर सॉरी सिक्स वीपी ओवर एसपी चलो यहाँ तक देखो बेटा क्लियर हुआ सभी को जल्दी से देखो जरा एक बार इंटरप्शन है ना थोड़ा सा एक प्रॉब्लम थी चलो यहां तक बेटा सबको क्लियर हो गया किस फॉर्मुला का इस्तेमाल हमें कहां पर करना है एक बेसिस पर निकालना है अब कई बार हमारे पास में क्या है हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा कि हम ये चाहते हैं कि जो हमारे पास मास

इसका इन्वॉल्वमेंट भी हमारा सेटलिंग के अंदर ही हो रहा है ठीक है ना तो मास ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू है मास, मास, पार्टिकल हमारे पास टू मास क्या इन टू वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर देखना बेटा ध्यान से तो हमारे पास अगर डेंसिटी ऑफ स्फीयर की हम बात करें तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑलरेडी हमको पता है और हमें क्या चाहिए हमें चाहिए यहां से क्या अपना डायमीटर ठीक है तो डायमीटर अगर हम निकालना चाहते हैं डायमीटर कितना आ जाएगा तो दट इज सिक्स बाई पाई सिक्स बाई पाई दट इज कितना आ जाएगा रो तो यहां से हमारे पास में क्या है ऑन द बेसिस ऑफ मास भी हम क्या कर सकते हैं अपना साइज इक्वल साइज होना पता कर सकते हैं तो वॉल्यूम और मास ये दोनों के दोनों फॉर्मुल इस्तेमाल हमारे पास के केस में हो रहा है डिपेंड करता है एक्चुअली हमारे पास में सेटलिंग किस तरह की सेटलिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं डिफरेंट टाइप के सटलिंग का भी हम यूज करते हैं राइट right? चलो तो ये हमारे पास कुछ बेसिक्स हमने अभी आज देखा है कि हमारे पास में जो भी पार्टिकल शेप एंड साइज की बात की जा रही है तो वहां से हमारे पास में हम कैसे अपना इक्वलेंट साइज निकाल सकते हैं ठीक है ना इसके बाद हमारे पास में क्या है इसके बाद हमारे पास में क्या है ये तो हमने किसी एक सिंगल पार्टिकल की स्टडी की है लेकिन इंडस्ट्री के अंदर सिंगल पार्टिकल की स्टडी नहीं हो रही है वहां पर हमारे पास बल्क पार्टिकल्स हैं ध्यान रखेगा जब हम बल्क पार्टिकल की बात करेंगे तो हमें एक एवरेज साइज की जरूरत पड़ेगी ठीक है ना वो हमारा हमेशा इस्तेमाल होगा इंडस्ट्री के अंदर इनका इस्तेमाल नहीं करना है इस्तेमाल किसका करना है एवरेज साइज का वो आपको आगे पता चलेगा धीरे धीरे अभी ये देखो जरा अभी आज जितना भी आपने पढ़ा है बेसिक फंडामेंटल्स इसमें से आपको जो भी डाउट्स अगर आ रहे हैं तो आप पूछ सकते हो ठीक है जितना भी अभी आज हमने पढ़ा है वो क्लियर हुआ कि नहीं प्रॉपर तरीके से कल से हम अभी तो हम आज साइज की बात कर रहे थे कल से हम लोग शेप के बारे में बात करना स्टार्ट कर देंगे जिसमें सबसे पॉपुलर चीज हमारे पास में आती है है ठीक ना तो अभी आगे के लेक्चर मिस मत करिएगा इस लेक्चर को एक बार दोबारा से देखिए अगर आपको बाई चांस कोई भी अगर इशू आ रहा है तो इस लेक्चर को एक बार दोबारा से देखिएगा और इसके बाद हमारे पास में क्या है कल से आपको एक मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां से गेट में क्वेश्चन आते हैं वो वाला पार्ट हम स्टार्ट कर देंगे और इससे हम लोग क्वेश्चन भी लगाना कल से स्टार्ट कर देंगे ठीक है ना विद इन टू टू थ्री लेक्चर्स आपके पास में क्या है आपको आ, आपका जो प्रैक्टिस क्वेश्चन सीट है ना फॉर्म है वो आपको शेयर कर दूंगा मैं ओके चलिए जी तो बहुत कुछ आपको मिलने वाला है लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जैसे आप लोगों ने कैमका टेक्नोलॉजी के अंदर उम्मीद करता हूं कि आपने पी जरूर लगाए होंगे अगर आपके पास में टाइम है तो आप ए टू जेड ना और इसको नहीं करना चाहते हैं तो आपके यूट्यूब सारे के सारे आप इनको लगा सकते हो इस सब्जेक्ट में कमांड बनाने के लिए आप मेरे कॉन्सेप्ट के साथ साथ में अगर लगा तो तो यहां से आपका बहुत प्रॉफिट हो जाएगा बाकी जो भी मैं आपकी गेट स्पेटेड सीरीज अभी लेकर के आऊंगा वहां पर आपको क्वेश्चन मिलते ही रहेंगे तो वहां से आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से होती रहेगी राइट अभी ये क्लियर है और दूसरा प्रोसेस प्रोसेज कंट्रोल आपको डायरेक्टली मिल ही रहा है ए टू जेड कब से स्टार्ट करें भी? थोड़ा सा वेट कर लो ठीक है नीलकंठ मैं आपको बोलूंगा आप ए टू जेड से अच्छा जो है पहले कैम कल के क्यूज लगाओ बिकॉज ए टू जेड के अंदर कुछ टॉपिक्स आपको नहीं मिलेंगे लाइक फिल्ट्रेशन फ्लोड आपको ए टू जेड में नहीं मिलेंगे बाकी बाकी ब्रांचेस के अंदर भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं ये बहुत कम होते हैं तो पहले मैकेनिकल ऑपरेशन में पहले क्वेश्चन अपनी बैंस के लगाओ केमिकल के लगाओ फिर आप ए टू जेड की तरफ मूव करना ठीक है तो प्रोसेस कंट्रोल आपको डेली शाम को सात बजे मिल रहा है तो आप इसके लिए सिंपली आप मेरे साथ में कनेक्ट कर सकते हो डेली शाम को सात बजे से ओपी गुप्ता की रिफाइनरी का पूरा सिक्यूज हो गया कर लिया पूरा क्या बात है लोग क्वेश्चन सारे निकल गए थे <coughs> और जो क्रिस्कॉ सीरीज हम कंटिन्यू करके चल रहे थे जहां पर हम लोग अपने चार सब्जेक्ट के जम्बल्ड क्वेश्चन कर रहे हैं ए टू जेड पी वाई उसके अंदर मैं करा रहा हूं तो ये सीरीज आपकी कंटिन्यू होगी दोबारा से ठीक है ना दिवाली ब्रेक में इसको बंद किया गया था तो अभी ये सीरीज आपकी कल से कंटिन्यू होगी आज इवनिंग में आपका दूसरा सेशन है साढ़े बजे से ठीक है ना तो ये सीरीज आपकी कल इवनिंग से आपकी कंटिन्यू हो जाएगी तो ये सीरीज को भी आप ज्वाइन करते रहिए ठीक है ना अब इसके अंदर आप मैकेनिकल ऑपरेशन क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको मजा आएगी बस अभी तक बहुत से बच्चों ने मैकेनिकल ऑपरेशन नहीं पड़े थे तो उनको प्रॉब्लम हो रही थी अब जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको मजा आएगी ठीक है और आपके पास में गूगल शीट अवेलेबल है हीट मास सॉरीट एफ एम सी और मैकेनिकल ऑपरेशन की तो आप इनको फॉलो अप कर सकते हैं यहाँ से जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन आप उनको फॉलो अप कर सकते हैं कोई भी क्लास आप देखना चाहते हैं स्क्रीन के अंदर अवेलेबल है वो आप देख सकते हैं हाँ एक्चुअली uh, uh, ओपी गुप्ता की बुक के अंदर में जितने uh, भी क्वेश्चन हैं ठीक है ना तो सारे के सारे क्वेश्चन हमारे पास में जो गेट के सिलेबस है इससे भी बहुत ऊपर के हैं है ना तो वो क्वेश्चन हमारे पास बाकी जो एग्जाम्स होंगे ना उनमें बहुत यूजफुल होते हैं तो वो क्वेश्चन से जो भी नोट्स बनाए ना उन नोट्स को हमेशा जब भी कोई गेट से अदर एग्जाम जब देने जाना ना उनको बहुत अच्छे से पढ़ना तो वो बहुत हेल्प करेगा ये तुमने बहुत अच्छा काम किया है आलोक और दूसरा हमारे पास में जो पी एस का रिक्रूटमेंट का लिस्ट आपके पास अवेलेबल है इसको भी शेयर करते रहिए अपने कलीग्स एंड जूनियर्स के साथ में ताकि उनको भी भाई इसका बेनिफिट मिलता रहे ठीक है ना आने वाला सबसे बड़ा जो अखिल रिक्रूटमेंट है अभी वो है एन का सेल का और हमारे पास में है आपका एम का ठीक है ना तो ये तीन रिक्रूटमेंट्स आपके मोस्ट अवेटेड और सबसे बड़े रिक्रूटमेंट हैं अभी जिनमें अच्छी खासी वैकेंसी अभी निकल करके आएगी राइट चलो जी तो इस क्लास को आज हम लोग यहाँ से फिनिश करते हैं है ना? कल हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे सेम टाइम मॉर्निंग सेवन एम पर और मस्त तरीके से कल से हम लोग क्वेश्चंस करना भी स्टार्ट कर देंगे ठीक है सो थैंक यू एवरीवन, वन हैव ए नाइस डे टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू थैंक यू